मदीने मुनव्वरा जा रहा है यहाँ से, और मुफ्ती साहब जो है बाबा जो है आपको पीपीटी के जरिए जो है तफसील के साथ बताएंगे कि जो है कौन से मौकाम पे कैसा करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन से दुआ करना चाहिए मदीने मुनव्वरा के बारे में और जो है उमरे के बारे में, हज के बारे में। लेकिन मैं उमरे के लिए मुख्तसर से अंदाज में जो है आपको मैं ये करूँगा। एक तो जो हम यहाँ से हमारा काफिला यानी हमको जो है अभी पासपोर्ट वगैरह पार्टी के डोज पहले पहुँचा देकर आपको हज हाउस में जो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, और 8 घंटे पहले आपका पासपोर्ट आपका लगेज वगैरह करा के आपको काफिले के साथ आप एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से मदीना मुनव्वरा जाएंगे, और मदीना मुनव्वरा में जो एक हफ्ता आपका क्या रहेगा, और आदाब मदीना मुनव्वरा के बारे में तो जो है उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो आप यहाँ से जाने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद आप अपना सामान अपना लगेज अपने रूम में रखिए, वसूल कीजिए, और जो है आप सुरमा लगाइए, मिसवाक ज़्यादा मिसवाक कीजिए, इत्र लगाइए, नए कपड़े पहनिए, और आप मस्जिद नबी जो है तशरीफ ले जाइए, मस्जिद दाखिल होने के बाद बरकात तहतुल मस्जिद पढ़िए, फिर उसके बाद कोई वक्त अगर है तो जो है नमाज अदा कीजिए, उसके बाद जो आप सलात नमाज में जो है फिर आप जितने दिन भी मदीने मुनव्वरा में रहेंगे आप जो है दुरूद शरीफ का जो कसरत से यूज करते रहेंगे। और मदीने में जो है आप वहाँ क्योंकि जो है सफर ही जो है मुश्किल सफर है, आसान भी है मुश्किल भी है, क्योंकि लेकिन हर वक्त जो है हमारे सफर के साथ और हमेशा जो है सबर के साथ और एक दूसरे हाजी साहब को जो है जो हमारे साथ जो रहते हैं कुछ लोग पढ़े लिखे भी रहते हैं, कुछ लोग अगर पढ़े भी रहते हैं, कुछ लोग तबियत हासिल करके रहते हैं, कुछ लोग हासिल नहीं भी करते हैं, तो जो हम दूसरे हाजियों को जो साथ में लेकर जो आप उनको अपना अमल पूरा करना चाहिए। जब तक आप मदीने मुनव्वरा में रहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको दुरूद शरीफ का जिक्र करेंगे, मदीने मुनव्वरा में जो है आपको जो है मस्जिद कुबा है जहाँ पे जो है नमाज पढ़ने से जो है आपको एक उम्र का सवाब मिलता है, और मस्जिद जो है मस्जिद मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबी में जो है 44 रूम्स है, और जिसमें ख़वातीन के लिए सेपरेट हिस्सा है और ये जेंट्स के लिए, क्योंकि जो है वहाँ पे आप हरम शरीफ में जाने के बाद पूरे एरिया में जो बैरिकेड लगा दिया गया है, और वहाँ से जाते जो है ख़वातीन के लिए अलग तरफ जो है करेंगे, उसके बाद जो जेंट्स के लिए अलग करेंगे, और जो है आप लोग मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद आप अपने ख़वातीन को ये बताइए कि फिर आप यहाँ आने के बाद वहाँ पे जो जो कोई भी निशानी मतलब जो है वज़ू खाने की निशानियाँ हैं बहुत सारे वहाँ पे जो है पोल्स है उसकी जो है आप निशानी है आप जो डोर से एंटर हो रहे हैं, क्योंकि हरम शरीफ के अतराफ जो गेट से वो गेट से जो है आपका जो बिल्डिंग का जो है जहाँ पे आप ठहर रहे हैं आप सीधा जो भी आते हैं वो एक जो है डोर को जो अटैच होता है, जितने भी रास्ते हैं आप हरम शरीफ के जो है बाहर के एंट्रेंस के डोर से जो है मुतासिल हैं, तकरीबन रोड्स आप जो है बगौर जो है देखते हुए आइए, अगर आप अपने बिल्डिंग से आ रहे हैं तो जो आप कौन से डोर से एंटर हो रहे हैं और वहाँ से जो है आप हरम शरीफ किधर जा रहे हैं, आप खवातीन को बोलिए कि जो आप भी जो है आने के बाद ये टाइम पे जो यहाँ पे ठहरिए, वहाँ से जो है आप मिलकर वापस आ सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग जो है वहाँ पे जन्नतुल बकी है, आपको बच्चे के बाद असर के बाद जो है खुला रहता आप ज्यारत के लिए जा सकते हैं, और वहाँ पे कम से कम एक रोज़ा रहने की कोशिश कीजिए, कम से कम एक कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश कीजिए, और हर नमाज जो है आप बिल्कुल वक्त की पाबंदी के साथ कीजिए, और वहाँ से जो है सिर्फ खजूर ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है हज से वापस आते वक्त जो है सिर्फ लाने वाले सिर्फ दो ही चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज़ मिलती, आपको जो है खजूर लेना है और जमजम लेना है, जमजम जो है आपको यहाँ पे हज कमेटी वाले देंगे, लेकिन आपको साथ में जो वहाँ पे आपको खजूर लेना है। जो हमारे लिए सफर जरूरी है अल्लाह ताला से अल्लाह फरमाए, इसके बाद मैं वॉलंटियर का मैं आपके साथ गुजारिश करता हूँ, मतलब मौलाना सैयद वासिफुद्दीन नकवी साहब الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله
الصلاة والسلام على رسول الله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال عليه الصلاه والسلام تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. محترم خوش نصیب عازمین حج حضرات اور خواتین, ابھی الحمدللہ محترم جناب الحاج محمد نواز صاحب انجینئر نائب صدر لبیک سوسائٹی نے کافی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور جیسا کہ آپ نے تلبیہ پڑھایا ہے تو یہ تربیتی اجتماع میں تو تین مرتبہ ہم لوگ تربیہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی مولانا بلال صاحب نے فرمایا ورنگل میں 200 حاجی ہیں لیکن حاجی صاحب تربیت لیتے لیتے تھک گئے جی, اس لیے کہ اتنے پروگرام ہو گئے کہ حاجی بولنا بہت ہو گئے. اور اگر وہی جو ہے نیٹ کا ایگزام اگر ہوتا, نیٹ کا جیسے آج ہو رہا ہے, تو ہم 10 کلاس کے بعد 12 کلاس کرنا چاہتے ہیں. اور جو نیٹ کا ایگزام ہے اس کے لیے 1 سال کی ٹریننگ لینے جا رہے ہیں. لوگ بچے بول رہے ہیں وہ بھی کب پڑھ رہے ہیں, اس سے بھی نہیں ہو رہا, پھر کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو اما بابا سے گھر سے دور کر کے وجے والا گنٹور لے جا کے چھوڑ جا رہے. اس لیے کہ ڈاکٹر تو بن جائے گا, تو ہمارے پاس کیا ہے؟ دین کی ناقدری. اصل میں بات کیا ہے؟ دین اور دنیا, کہ دنیا کے لیے چپل گھسنا باپ کے لیے آسان ہے, بچے کے لیے بھی آسان, لیکن دنیا کے لیے سب کچھ دنیا پر رات رات بھر جاگ رہے ہیں, دن دن نیک کر رہے ہیں. دین کے لیے فری میں ہونا, فرصت میں ہونا, اور جب بولے جب ہونا نہیں ہوگا. حج قربانی کا نام ہے, عمرہ قربانی کا نام ہے, مدینے کی حاضری قربانی کا نام ہے. آپ اپنے گھر میں رہ کے حج نہیں کر سکتے, آپ اپنے گھر میں رہ کے عمرہ نہیں کر سکتے, آپ کو قربانی دینی پڑے گی تب حج ہوگا. اور قربانی بھی کیسی؟ جتنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ نے دی تھی, کہ وہ قربانی کا لیبل تھا کہ جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قبول فرمایا. تو حضرات گرامی, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں مطمئن ہیں, دنیا کے معاملے میں فکر مند.
दीन के बारे में सेटिस्फेक्शन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ भाई ठीक है। दुनिया के बारे में इतने फिक्रमंद है, इतने फिक्रमंद है कि हर घर का हर फर्द फिक्रमंद। हमें और सहाबा में यही फर्क है कि सहाबा दुनिया के बारे में सेटिस्फाइड थे, दुनिया के बारे में मुतमईन थे कि मेरे मुकद्दर में जितना है उतना मिलके रहेगा। सहाबा ये मान लिए थे कि हमारे मुकद्दर से ज्यादा ना तो कम हो सकता है ना मुकद्दर से बढ़ के मिल सकता है, लेकिन दीन के मामले में फिक्रमंद थे, दीन के मामले में बेचैन थे कि हम एक नेकी के बजाय दो नेकी कैसे कर सकते, दो के बजाय तीन नेकियां कैसे कर सकते। हजरात गिरामी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के लिए बेचैन फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दीन के लिए हमारे अंदर ताक पैदा फरमाए। पढ़िए लबैक अल्लाहुम्म लबैक, لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله یہ تلبیہ ہم نے پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا ہے، لبیک میں حاضر ہوں، اللهم اے میرے اللہ لبیک میں حاضر ہوں، پھر لبیک میں حاضر ہوں، لا شريك لك تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک تعریف والنعمت اور نعمت، لك والملک اور حکومت بھی تیری، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی الحمدللہ تلبیہ ہم سب کو یاد ہے، یہ کتنے حاجی ہیں جو انشاءاللہ حج کے بعد اس کا ترجمہ یاد کریں، हाथ उठाइए ترجمہ حج کے بعد یاد کریں گے، سارے حاجی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو تلبیہ تو اب یاد کریں گے، ترجمہ حج کے بعد یاد کریں گے، تو ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں نا حاجی صاحب، تلبیہ بھی حج سے پہلے اور ترجمہ بھی حج سے پہلے، تو آپ یہاں رہیے کلاس میں مسجد میں، تو آپ کیا میں بول رہا ہوں غور سے سنیے، ورنہ تو ہوگا کیا کہ پورا خالی پیٹ انم کنڈا ورنگل گھومتے رہیں، فون آ گیا پورا حیدرآباد تک چلے جائیں۔ حضرات گرامی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قبول فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا، اللہ نے منتخب فرما لیا، تو اس کا شکر ہم کو ادا کرنا ہے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ یہ عبادت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں اپنا مہمان بنا رہے ہیں تو ہم اس کے مہمان بن کے جائیں۔ ابھی دیکھیے کسی کو سی ایم کی طرف سے دعوت آ گئی، کیا کرتا؟ سب کو دکھاتے پھرتا، دیکھو سی ایم چل، اچھا سوٹ بوٹ پہن کے اچھا تیار ہو کے جاتے ہیں۔ کس کا بلاوا ہے؟ سعودی گورنمنٹ، محمد بن سلمان، حج کمیٹی، اللہ کا بلاو، اللہ نے ہمیں بلایا، تو جس کے ہم مہمان ہیں اس کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں؟ اس کے گھر
करके वहां क्या चीजें उसको पसंद है वो हम तैयार करके हैं। अब तैयारी बोले तो फौरन हाजी पूछता खाने के लिए क्या रखना, पीने के लिए क्या रखना, ओढ़ने के लिए क्या रखना, मक्के में क्या खाना, मदीने में क्या खाना, मदीने में क्या पीना। तो जाते जनाब हाजी जो है तैयारी ये समझ रहा, तैयारी ये नहीं है। तैयारी तो ये है कि हम 40 दिन में कितने सवाब करेंगे, 40 दिन में हम कितने उम्रे करेंगे, हमारी हाजरी मदीने मुनव्वरा में कितनी मर्तबा हो। वापस हाजी हज करके आता है, आप पूछ लीजिए भाई कितने सवाब करें, तो बोले याद नहीं है। उम्रे कितने करें, याद नहीं है। क्यों याद नहीं है, इसलिए कि हमने एहतमाम नहीं किया। वरना तो ऐसे भी कुछ नसीब है कि रोजाना 5 तवाब के हिसाब से जब वापस आए तो 150 तवाब करते हैं, जब वापस आए तो हर दिन के हिसाब से 25 उम्रे करके आए। तो क्यों, इसलिए कि वो जाने से पहले वहां का टारगेट तय करके गए थे। और हजरत गिलानी अल्लाह तबारक व तआला का ये जो दरबार है बहुत बड़ा दरबार, बहुत कीमती दरबार, बड़ा आलीशान दरबार, और उसके आदाब भी बड़े गैर मामूली। हम दुनिया के लिए बहुत कुछ तैयारी करते हैं, शादी में जाते हैं, ऐसे उठ के थोड़ी चले जाते। आज मैं वरंगल में, मेरे को जहां तक मालूम है अगस्त में शेरवानी पहनते हैं ना, अगस्त में शेरवानी वरंगल में, और गरीबे के दिन सूट पहनते। अब अगर आप गरीबे के दिन शेरवानी पहन लिए तो लोग बोलेंगे क्या है भाई, आपको नहीं मालूम अगस्त है यार। और गरीबे के दिन आप शेरवानी नहीं पहने तो शेरवानी पहन लिए तो लोग बोले अरे अगस्त में की पहनने का आज पहन। हमारे पास हर फंक्शन का एक ड्रेस बना के रखी, ड्रेस कोड बना दी। अल्लाह के घर हम जा रहे हैं तो अल्लाह की जो है शायन शान, अल्लाह के रसूल की शायन शान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एहराम 5,000 वाला कीमती बनेंगे, मैं एहराम के बारे में नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हम तैयार हो के जाए। तैयारी किसकी, कपड़ों की नहीं, एहराम की चादरों की नहीं, दिल की तैयारी, अंदरून का दिल बन के जा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो जब हज के लिए गए तो हर कदम पे एक कदम उठाए दो रकात नमाज पढ़े, दूसरा कदम उठाए दो रकात नमाज पढ़े। तो इस तरीके से कई साल के बाद हज के लिए मक्का पहुंचे, कितने साल लगे होंगे, कई साल के बाद हज के लिए पहुंचे। जब काबतुल्ला का तवाफ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अल्लाह की बत्ती है, धूप है, बिल्कुल गर्म मौसम है, बिल्कुल जो है शिद्दत की गर्मी है, ऐसे वक्त एक अल्लाह की बत्ती उसके ऊपर एक बादल का एक टुकड़ा भी चला साया है उसके सर पे। इब्राहिम बिन अदहम जो है परेशान हो गए कि भाई ये बत्ती इसके ऊपर अल्लाह की ये रहमत है कि धूप के वक्त इसके सर पे एक बादल का टुकड़ा चला। तो अभी ये सोच रहे थे तो वो अल्लाह की बत्ती ने कहा कि है इब्राहिम बिन अदहम तुम और परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं राबिया बसरिया हूं, ऐ इब्राहिम तू ये सोच रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के मेरे ऊपर ये रहमत और ये करम क्यों है। ऐ इब्राहिम तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाली पेशानी लेके आया है। ऐ इब्राहिम मैं अल्लाह के सामने झुकने वाला दिल लेके आई। हमारी पेशानियां नमाज में झुक तो रही है लेकिन वही हमारे अंदर तकब्बुर है, वही अनानियत है,
वही बड़प्पन है, वही हमारा गुरूर है। हम ये नहीं समझ पाए कि हमने अपनी पेशानी सज्जे में रख दी तो हमारे दिल में वो छोटापन पैदा नहीं हुआ। राबिया बसरिया कह रही कि मेरा दिल के अंदर छोटापन है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस्म में एक पार्ट वो है कि जब वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही हो गया, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। वो है आदमी का दिल। हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत, हमारे दिल के अंदर नफरत, हमारे अंदर इस्लाम की नाकदरी, हमारे अंदर उलमा की नाकदरी, हमारे अंदर मस्जिदों से दूरी, ये लेके हम जाए और ये कहें कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें हो जाए। हजरत बिरानी चूंकि हम करीब हैं आपकी रवानगी, अभी आने वाले हफ्ते में आपकी फ्लाइट शुरू हो रही है, तो अभी से आप अपना दिल मोम बनाए, आपका दिल पसीजे, आपके दिल के अंदर जो है वो तड़प और ऐसा हो कि वो जो है धड़कता है उसके अंदर गर्मी हो, पत्थर ना बन जाए। कुरान हकीम ने अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिल पत्थर के हो गए, उसके कोई असर नहीं हो रहा, जबकि पत्थर तो अल्लाह की खौफ से लुढ़क के डर के मारे नीचे गिरते हैं। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको बुलाया है तो आप अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी में झुका दीजिए, अपने आप को मिटा दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जब कहीं जाकर ये हज अपना रंग दिखाए, जब कहीं जाकर उसकी बरकतें हमें महसूस होंगी, वरना होगा क्या? अभी हम जबान से बोले, क्या बोले? वल मुल्क लक, अल्लाह हुकूमत तेरी है, किसकी चलने वाली? हाँ जी, आजकल क्या बोल रहा है? 50-50 चल रहा भाई, आजकल क्या कह रहा है? 50-50 मैचेस चल रहे, 50-50 बिस्किट है, 50 अल्लाह की है और 50 मेरी है। अपनी मनमानी नहीं, अल्लाह की रब जानी, अल्लाह की चाहत वाली जिंदगी। हज क्या है? अपनी चाहत को मिटा देना है, अपनी मर्जी को खत्म कर देना है। हम ये बोले कि नहीं, मैं जो है आपका बहुत बड़ा मालदार हूँ, मैं ये ड्रेस में जाऊंगा, नहीं जा सकते। आप सारे कपड़े उतार के बाहर रखो, फिर जा सकते। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात तरबियत हासिल करने के बाद इतनी तैयार हो चुके हैं कि अब आप इस अमल को बेहतर तौर पर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल खुद करके सहाबा को बताया। ये कुछ अमल वो है जिसको अल्लाह के रसूल ने करके बताए, नमाज पढ़ के बताए, अल्लाह के रसूल ने रोजा रख के बताए, अल्लाह के रसूल ने हज करके बताए। तो ये अमल भी जो है वो आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे जब तक नहीं समझ आए। इसीलिए यहाँ हमारे जिम्मेदार आपके मौलाना बिलाल अफजल साहब और जनाब मौलाना मुसाब साहब ने फिक्र की और वक्त लिया कि हाजियों को आप प्रैक्टिकल बताएं। तो हजरत गिलानी, ये प्रैक्टिकल का मकसद ये है कि पिछले 25 साल से जो हम काम कर रहे हैं, अल्लाह ने जो इस काम के लिए बंदे को कबूल किया, उसकी वजह ये है कि जब मैंने वालिदैन के साथ हज किया, मेरा पहला हज जब हुआ तो मैंने वालिदैन के साथ हज करते हुए वहां हाजियों को देखा कि हाजी बिल्कुल नाबालिग है, हाजी बिल्कुल जो है जाहिल है, हाजी बिल्कुल जो है मसाइल से नावाकिफ है। और इंतहा ये है कि उस हज में हमने ये देखा कि हाजी मीना के टेंट में लड़ रहा है, हमारे अपने टेंट में ये 2-4 रकात के ऊपर झगड़ा हो गया तो हाजी इतना लड़े कि खूना खून हो गए। और उसी हज में ये वाकया पेश आया कि हाजी
भी हमने अरफात के मैदान में देखा कि हाजियों के लिए खाना उस साल ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मुअल्लिम की तरफ से इंतजाम किया गया था, 250 रियाल लेके 5 दिन के खाने का इंतजाम किया गया था। तो अरफात के मैदान में जो कि मुअल्लिम की तरफ से हाजियों को खाना तकसीम किया जा रहा था, तो हाजी लाइन लगा के खड़े हुए थे। तो एक बूढ़ा एक नौजवान हाजी जो है लाइन तोड़ के बीच में जा गए। मान लीजिए 200 लोगों की लाइन है, तो वो एक नौजवान रास्ता वो लाइन तोड़ के बिल्कुल सामने आ गए। ये जो बूढ़े हाजी साहब थे उन्होंने समझाया कि भाई हम लोग भी अरफात में हैं, हमको भी दुआ करना है, हमारा भी बहुत कीमती है, हम लाइन में खड़े हैं, आप भी लाइन में आ जाओ। तो वो नौजवान बोला बूढ़े मियां खामोश बैठो। क्या बोला? बूढ़े मियां खामोश बैठो। तो ये हाजी साहब बोले नहीं था, मैं आपको अदब की सलीके की बात बोल रहा हूँ और आप देखो बूढ़े मियां बोल रहे। तो वो नौजवान बोला बूढ़े मियां बहुत कहकर कर रहे तुम, तो खामोश बैठते या नहीं बैठते? तो वो हाजी साहब के साथ दूसरे लोग भी हो गए, वो हाजी साहब को भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा, तो वो नौजवान बोला मियां बूढ़े मियां तुमको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ तुमको नहीं मालूम, और तुमको नहीं मालूम कि मैं हज को आने से पहले कितने मरहला करा, ज्यादा बोले तो तुम्हारा भी मर्डर कर देता हूँ। हाजी कहाँ मर्डर करेगा, कहाँ मर्डर करेगा? बोली अरफात भी मर्डर करेगा। ये नहीं, और भी वाकियात हुए। मैंने उस हज को बहुत करीब से देखा। तो वापस आने के बाद मैंने हमारे बड़े अकाबिर बुजुर्गों असातिज़ा से मशवरा किया कि हजरत ये मसला है, हाजी वहां लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वहां पर उसको मसले नहीं मालूम। तो फिर अल्लाह ने ये काम शुरू फरमाया, और जिसके लिए अभी जैसे हमारे नायब सदर मोहतरम अलहाज मोहम्मद नवाब साहब, जिन्होंने कहा कि जब हमने ये काम शुरू किया, 1 महीने का कोर्स था, पूरा 1 महीने का, हाजी को 1 महीने में नमाज सिखाते थे, वजू सिखाते थे, गुस्ल सिखाते थे, हाजी को इकामत बोलना सिखाते थे। हाजी को नमाज पढ़ाना सिखाते थे, नमाज की भी तरबियत होती, लेकिन उसके बाद हाजी बोले नहीं, अब हाजी के पास टाइम नहीं है, हाजी बिजी हो गया। तो हाजी के बाद टाइम कम हो गया, तो हमने कोर्स भी कम कर दिया, 10 दिन का कर दिया। और अभी फिर और मसला ये है कि हाजी बोलता और कम कर दीजिए। और हमारे अभी कुछ नौजवान हैं जो हज के लिए जा रहे हैं, तो मिलते हैं आगे, अभी फ्लाइट जो है जुमेरा से है ना आपकी, तो अब आगे तो नौजवान मिलते हैं, बोलते हैं मुफ्ती साहब हम लोग जॉब में बिजी थे, आपका कोर्स नहीं कर सके, आपकी क्लास नहीं कर सके, आप शॉर्ट शॉर्ट बता दो। क्या कर दो? शॉर्ट शॉर्ट बता दो। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम शॉर्ट बोल रहे, मैं वेरी शॉर्ट बता देता हूँ, तुम तो शॉर्ट बोल रहे ना, मैं तुमको वेरी शॉर्ट बता देता हूँ। वो ये है कि आप हज को जा रहे हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, और मदीना आप जा रहे मेरा सलाम अर्ज करें, जाइए सलाम अलैकुम, वेरी शॉर्ट। क्या बोलेंगे भाई? दुनिया के लिए दिन रात एक कर दी, और दीन के लिए कोई शॉर्ट शॉर्ट बोलो साहब, लंबा नको बोलो। हजरत गिरामी 45 दिन का सफर है, अगर 45 घंटे हम निकालें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब अल्लाह का फजल है कि हमारे नवाब साहब जैसे बुजुर्ग नौजवान आप हजरात में देखा कि हज के लिए जो लोग जाते हैं वो बड़ी उम्र के मैच्योर है ना, सिर्फ उनको रुख सही करने की जरूरत है, छोटा बच्चा नहीं है, बार 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 बोलने की जरूरत, बड़ी उम्र के लोग हैं, मैच्योर है, दुनिया देखे हुए, सिर्फ उनका रुख सही करना है, गाड़ी तो चल रही, रोना का वाकिंग तो कर रहे, लोग बोलते ना कि हाजिया
वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मैं हैदराबाद में मियां बीबी देख कर बोलता हूँ, ये लोग आज को जा रहे हैं इसलिए वॉकिंग कर रहे हैं। सुबह फजर के बाद मियां बीबी अगर कोई वॉकिंग पे है तो वो हज को जाने वाला ही हो सकता है। लोग वॉकिंग करो वॉकिंग करो बोले तो वॉकिंग तो कर रहे, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जिक्र के साथ करें, हम ये कहते हैं जिक्र के साथ करें, हम ये कहते हैं कि इबादत की नीयत से करें। तो हाजी साहब की रुख सही करना, आप जब रुख सही करेंगे तो यही हाजी मीना में लड़ेगा नहीं, यही हाजी आरफात में मर्डर नहीं करेगा, ये हाजी मुज़दलिफा में झगड़ा नहीं करेगा, ये हाजी रोएगा, ये हाजी अब एक दूसरे से माफी चाहेगा। हमने देखा है कि जिनका मिजाज बनता है तो वो फिर दूसरों को भी फायदेमंद होते हैं। हज़राते गिरामी, मिजाज बनने के लिए आपको ऐसे माहौल में बैठना पड़ेगा। लोग मुझसे बोलते हैं कि मुफ्ती साहब आपकी हज की क्लास ऑनलाइन नहीं है क्या, आपकी हज की क्लास ऑनलाइन नहीं है क्या? मैं तफसीर पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, अरबी ज़बान पढ़ाता हूँ, तजवीद पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, है पूरी क्लास है, दिन में 10 बैचेज है। लेकिन लोग बोलते मुफ्ती साहब हज की क्लास भी ऑनलाइन करो, मैं बोलता हूँ भाई हाजियां पहले से ऑनलाइन है, मैं उनको ऑफलाइन करना चाह रहा हूं। हर हाजी सेल्फी पे है, हर हाजी फोन पे है, मैं उसको वहां से हटा के फोन से दूर करके मस्जिद से उलमा से उनका रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। जब तक हम माहौल में नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। अदराती गिरामी देखिए, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, माहौल आप दुनिया वाले के साथ बैठेंगे आपकी फिक्र दुनिया की बनेगी, दुनियादारी की बनेगी, हजार के 1600 बनाने की फिक्र बनेगी, एक घर के बाद दूसरा घर बनाने की फिक्र बनेगी, एक बंगले के बाद दूसरे बंगले की फिक्र बनेगी, दीन के मस्जिद के उलमा के अल्लाह वालों के साथ रहेंगे तो दुनिया दीन बनेगी। आज मसला क्या है कि आज हमारी ये दुनिया जो है दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि साहब ये हज भी जो है हमारा दुनिया बन के रह जाए। मैं आपसे क्या बताऊं, लोग अभी रुबात की बात कर रही है, रुबात रुबात के बारे में है, तो 60,000 रुपए आपके बचते हैं, खाने का खर्चा बच जाता है, तो लोग आगे बोलते हैं कि मुफ्ती साहब 10,000 रुपए हम लगाने को तैयार है अगर हमारा नाम रुबात में आ गया तो। हाजी 60,000 बचाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत देने के लिए तैयार, क्यों ये बात क्यों बोल रहा है? इसलिए कि मिजाज नहीं बना हुआ है। मिजाज बनाइए, मक्के में मदीने में उमरे में आप जाएंगे ऑटोमेटिक आपका मिजाज नहीं बनेगा, कोई कैप्सल कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है कि आपने इधर डाला और फौरन आदमी दीनदार बन जाए, बनेगा नहीं बनेगा, फौरन दुआ करने वाला बन जाए बन जाएगा। भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल इल्म बिताअल्लुम व इन्नमल इल्म बिताअल्लुम व इन्नमल सब्र बितसब्र, इल्म आते आते आता है, समझदारी आते आते आती है, सबर करना आदमी को सबर करते करते आता है, आदमी जाके मेडिकल पे गोली लाया सबर की खा लिया सबर आ जाएगा, मैच्योरिटी की कोई इंजेक्शन मिलता है लगा दिया आदमी मैच्योर हो जाएगा, नहीं होगी। माहौल मिजाज तरबियत ये जरूरी है, अगर ये बन गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके इस सफर में कोई मशक्कत मशक्कत नहीं है, कोई तकलीफ तकलीफ नहीं है, कोई हालात आपके लिए हालात नहीं है, आप तो मजे लेंगे कि हाँ हमको मदीने में ऐसा हुआ, मक्के में हमने ये बर्दाश्त किया। हजरत गिलानी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा आदमी था, वो जो है पाकिस्तान के कई मुल्कों का एम्बेसडर।
पीपल और उसने हज भी किया और एक किताब लिखा जिसका नाम है लब्बई। ये किताब लिखा तो वो बोला मैं हज को बहुत करीब से देखा, मेरे को हज बहुत अच्छा दिखा कि हाजी अपने कपड़े उतार देता है, हाजी जो है अपनी पसंद छोड़ देता है, हाजी जो है तल्बिया बोलता है, हाजी के अंदर ये खूबी बड़ा अच्छा। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा, मैं एम्बेसडर बन के गया, लेकिन अल्लाह के मेहमान बन के जाने में बड़ा मजा है, बड़ा अच्छा लिखा। लेकिन वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि हाजी हर जगह लब्बई ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ बोलता है, लेकिन वो एयरपोर्ट पे उतरता है तो वो कहता है लब्बई या सामान, लब्बई या सामान। क्या बोलता है, ऐ सामान तू कहा है मैं हाजिर हूँ। लोग परेशान करके आते हैं हाजी, लोगों को हाजी नहीं दिखता है, लोगों को हाजी के बाहर आप दिखते, लोगों से बाल नहीं करना भाई। अब हाजी क्या परेशान है, क्या करेगा, अरे पाला नहीं करना कहते गुड्डू बना लो, अच्छी खासी दाढ़ी थी वो भी काट लिया, कहीं को पाला नहीं करना कहते। अरे भाई बाल छोटा मसला है, हाजी बड़ी चीज है, उसकी फिक्र करें। लोग हाजी को सब परेशान करते हैं, हाजी साहब आप हज में घूम जाते, लोग डराएंगे हाजी साहब हज में घूम जाएंगे, हाजी परेशान है मैं घूम जाता हूँ कहते। लोग बोलते हाजी साहब आप नहीं घूमे तो आपका सामान घूम जाता, हाजी बड़ा परेशान है। हजरत गिरामी परेशान मत होइए, ना आप घूमेंगे ना आपका सामान घूमेगा, और आप घूमेंगे तो इस साल सर्कल हज कमेटी ने एक ऐप निकाला है, क्या नाम है उसका, हज सुविधा डाउनलोड हो गए, शुरू हो गए 3 महीने से वो डाउनलोड भी हो रहा। तो हज सुविधा आपको जगह जगह बता देगा आप कहाँ बैठे आप कहाँ जा रहे, परेशान होने वाली बात नहीं है। हजरात गिरामी ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, इसलिए रखी है कि बात हमको समझ में आए। और जैसा कि अभी नवाब साहब ने बताया कि हमारा अल्लाह ने जो 25 साल से हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोर्स भी बनाया हमने, फिर हाजियों की जरूरत को सामने रखकर हमने किताब गाइड तैयार की उर्दू में इंग्लिश में, और पूरा सेट बनाया कि जिसमें हाजी की नमाज भी दुरुस्त हो जाए। एक हाजी पूछता क्या जरूरत है, आप बताइए कि मक्के में एक नमाज का सवाब कितना है, कितना है सर, 1 लाख नमाज का। अगर हमारी नमाज गलत हो गई तो, अगर हमको अद्दनिया गलत हो गया तो, दुआए मासूरा गलत हो गया तो, दुआए कुनूत गलत हो गया तो इसलिए हमने नो योर नमाज छोटी सी बुक तैयार की, वजू गुस्ल तयम्मुम अजान इकामत मस्जिद के आदाब जुमा के आदाब, ये मोटी मोटी चीजें, नमाज के फराइज नमाज के वाजिबात मोटे मोटी चीजें, क्यों हाजी को उनको सामने रखे। दूसरी चीज है हुजूर की सीरत, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत है सही बात, चूंकि हम मदीना जा रहे हैं तो मदीने वाले से वाकिफ होना जरूरी, क्या इतना जरूरी है, मदीने वाले आका से हमारा ताल्लुक होना जरूरी। आज हमारे बच्चों को पूछ रही थी कि इंडिया का कैप्टन कौन है, बोल देंगे वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन है, बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कौन है, बोल देंगे। फिर आप पूछिए फला टीम में कितने प्लेयर हैं, पूरे 11 नामा गिना दे। और कोई पूछ रही थी हुजूर के अजवाज मुतहरात के नाम क्या है, हजरत आयशा कौन है, तो बोलेंगे हुजूर की बेटी है, हजरत फातिमा कौन है, हुजूर की बीवी है बोले। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं और मैं कोई तकरीर वाला बंदा नहीं हूं, मैं फील्ड में काम करता हूं, मैं ग्राउंड पे काम करता हूं, मुझे अंदाजा है कि हमारे बच्चे
आज मौजूदा जमाने के हर एक्टर, हर क्रिकेटर, हर फिल्म स्टार की फैमिली लाइफ को जानते हैं, किसके घर का नाम क्या है, किसके कितने बच्चे हैं, किसकी कितने जोड़वा है, सब मालूम। हजरात गिरामी, उनको आज का मीडिया, आज की सोशल दुनिया यही बता रहे, और हम जो बड़े हैं, अगर हमको मालूम नहीं है तो उनको कौन बताए? अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई बताने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको वाकिफ होना कि हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला, हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर की वालदा का नाम आमिना, हुजूर की नानी का नाम परवा, हुजूर के नाना का नाम बहर, हुजूर की प्यारा अजवाज मुतहरा हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत ज़ैनब, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत सफिया, हजरत मैमूना, हजरत जुबेरिया, हजरत हफ्सा, हुजूर के चार चार बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा, हुजूर के तीन साहिबजादे, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम, हुजूर के चार चार दामाद होना चाहिए, लेकिन दो अजवाज, दो बेटियों की शादी हजरत उस्मान से हुई, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम की, बड़े दामाद हजरत अबुल आस, दूसरे दामाद हजरत उस्मान, तीसरे दामाद हजरत उस्मान, चौथे दामाद हजरत अली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुख्तसर सी जिंदगी मैंने आपको, कि हम आशिक रसूल हैं, और जैसा कि अभी नवाब साहब ने बताया कि हुजूर की नबूवत की बात की जिंदगी तो हमारे लिए असल है, कि हमारे लिए 40 साल के बाद क्या क्या चीजें हम पर आई हैं, वो तो असल जिंदगी, ये तो इश्क और मोहब्बत की बात है। बहुत सारे हाजी मदीना जाके आते हैं और कहते हैं कि भाई मदीने में हमने इतना बड़ा शॉपिंग मॉल देखा कि दुनिया में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल हमने नहीं देखा। क्या देखा? 2 किलोमीटर का जो है बाजार है, सोने की दुकानें हैं, अंगूठी की दुकानें हैं, हीरों की दुकानें हैं, बुरखों की दुकानें हैं, जानेबाज की दुकानें हैं, टोपियों की दुकानें हैं, तोप की दुकान है। अरे भाई, क्या हम ये देखने गए? हमको मदीने वाले से मोहब्बत है, मदीने वाले से नस्बत है, मदीने वाले से इश्क है, और उस इश्क की अलामत क्या है? वो अलामत ये है कि हम उनके बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में, हजरत गिलानी, ये एक मिशन है जिसमें काम की जरूरत है, कि हम हज को जाएं, मदीने को जाएं, तो हम अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, हम जाएं ना जाएं तो भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो हजरत गिलानी, आज तय करिए कि जैसे आज हम हज सीख रहे हैं, इंशाल्लाह कुरान सीखेंगे, इंशाल्लाह नमाज सीखेंगे, इंशाल्लाह दीन सीखेंगे, और हज के बाद इंशाल्लाह अजीज अपने नाम के साथ अलहाज लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक, मौलाना हाजी साहब ही जो है इंशाल्लाह बोल रहे हैं, ऐसा हज क्यों कर रहे हैं? अलहाज लिखने के लिए। एक हाजी साहब आए मेरे पास, बोलने लगे, मुफ्ती साहब एक हज करने वाले को हाजी बोलते। अच्छा, और 2 हज करने वाले को अलहाज बोलते। बोला, मैं अरबी पढ़ा रहा हूँ 25 साल से, और 20 साल अरबी पढ़ा मैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था, आज आप बताए कि अरबी में अलहाज बोले तो 2 हज करे सो बोलते। अरे भाई, जो आदमी दिन में नमाज 5 बार पढ़ रहा उसको क्या बोलते? नाम हटा के सिर्फ नमाजी लगा दो, क्या नाम भाई? नमाजी बोलते हैं क्या? मेरे भाई, अलहाज के लिए हम हज नहीं कर रहे, हम अल्लाह के लिए हज कर रहे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं अल्लाह के दीन के लिए। हजरत गिलानी, ये
ये कुछ बुनियादी बातें आपके सामने मैंने रखी हैं, इसलिए कि ताकि हमारा जहन बने, हमारा मिजाज बने। ये जो पावर पॉइंट मैंने तैयार किया है वो इसलिए तैयार किया है कि हाजियों को आसानी से बात समझ में आए। मकसद क्या है कि बात आसानी से समझ में आएगी। तकरीर करने से बात दफा कि लोग जो है, एक हाजी साहब बोल रहे थे कि सफा मरवा की सही करना, तो एक हाजी साहब उठ के बोले लोग सफा मरवा में जाके गलत करते क्या? क्या बोले सफा मरवा की? अरे मैं बोला मेरे भाई सफा मरवा की सही नहीं, सफा मरवा की सही। तो ये चीजें क्या है, ये जब तक प्रैक्टिकल है लोग तबादले तैयार बोले तो उसको भी बहुत भद्दा दर्द बोलते हैं। नहीं बोल रहा हूं गलत बात हो जाए। तो ये सब चीजें क्यों है? हजरत गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुनी है कुछ बातें, इंशाल्लाह अमल की नीयत कर अमल करेंगे इंशाल्लाह। हजरत गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज का सफर शुरू हो रहा है और उसमें से हम लोग पहले मदीने मुनव्वरा हाजिर हो रहे हैं। तो मदीने तय्यबा की हाजिरी है, दुरूद शरीफ हमने पढ़ लिया है। दुरूद शरीफ पढ़िए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत, उसके आदाब और दुरूद शरीफ हमने पढ़ लिया है। ऐसा बंद है और बड़ा कर दो, मदीने मुनव्वरा की फजीलत अल्लाह के रसूल ने फरमाई है कि मदीना हरम है। मदीना क्या है? हरम है। मक्का जैसे हरम है, मदीना भी हरम है। लेकिन मक्का का हरम बहुत पाबंदियों का है, मदीने के हरम में पाबंदियां नहीं है। मदीने में गैर मुस्लिम भी जा सकता है लेकिन वहां पे रह नहीं सकता। मक्के में तो गैर मुस्लिम जा भी नहीं सकता। मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वहां के दरख्त नहीं काटना है, वहां कोई बिदअती काम नहीं करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मदीना जो है गंदे लोगों को बाहर कर देता है, जैसे सुनार और लोहार की भट्टी में सोना जो है अलग हो जाता है और मैल कुछ अलग हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत से पहले ईमान सिमट के मदीने में जमा हो जाएगा, जैसे सांप अपने भुट्टे में होता है। कयामत से पहले ईमान कहाँ आ जाएगा? हाँ, ये सब अलामतें अब हम लोग देख रहे हैं कि अय्याशी के अड्डा बन गया रियाद, मालूम है? मैं नहीं बोलता आमतौर पर सब, इसलिए कि हम सब सोशल मीडिया में हमको मालूम नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दज्जाल सारी दुनिया में घूमेगा लेकिन मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह के रसूल ने मदीने के लिए दुआ फरमाई, हजरत इब्राहिम ने मक्के के लिए दुआ फरमाई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अल्लाह हमारे लिए मदीना महबूब बना दे जैसा कि आपने मक्का हमारे लिए महबूब बनाया। ऐ अल्लाह मदीने के नाप तोल की हर चीज में बरकत अता फरमा। तो हुजूर ने किसके लिए दुआ फरमाई? मदीने के लिए दुआ फरमाई। मदीने की हाजिरी का फायदा क्या है? मदीने की हाजिरी का फायदा यह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मेरी इंतकाल के बाद मेरी ज्यारत की गोया कि उसने मुझसे मेरी जिंदगी में मुलाकात की। कितनी बड़ी बात, किससे मुलाकात हो रही? अल्लाह।
मुसलमान है, कई मुसलमान है। पीएम से मुलाकात गौरी बोले तो इतना खुश हो रहे जैसे आज तक कभी खुशी नहीं हुए। बोल भाई, बोल, जो मुसलमानों के खिलाफ खुल्ला खुल्ला बोलना, उससे मिलने पे आप इतना खुश हो रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तुफैल ने हमें ईमान मिला, अल्लाह के रसूल की गोया के जिंदगी में मुलाकात होगी। और इससे बड़ी बात क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने मेरे कब्र की ज्यारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी। ये तो बड़ा इनाम है, बड़ी नेमत है। हजरात गिरामी, अल्लाह की शफाअत मिल जाना कोई मामूली नेमत नहीं। अल्लाह ये हदीस वहां पर भी लिखी हुई, अल्लाह हमें अल्लाह के रसूल की शफाअत अता फरमाए। मदीने में हमारा सिर्फ 8 दिन क़ियाम रहेगा। कितने दिन? सिर्फ 8 दिन। अब हम बात शुरू करते हैं कि नवाब साहब ने बताया कि हाजी यहाँ से हज हाउस जाएगा, हज हाउस से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से शमशाबाद से 5.5 घंटे के सफर के बाद हम मदीना एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से मदीना 40 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर आप अपनी बिल्डिंग में 1 घंटा रहेंगे, वहां गुस्ल करेंगे, तैयार हो जाएंगे और फिर सूट बूट पहन के इंशाल्लाह मस्जिद नबवी जाएंगे। अंग्रेज तो कभी के चले गया लेकिन अंग्रेज का ड्रेस छोड़ के गए, अंग्रेज का दिमाग छोड़ के गए। आज हमारा नौजवान सूटेड बूटेड लाइफ को बहुत आलीशान समझ रहा है। सूटेड बूटेड लाइफ किसकी है? अंग्रेजों की। अंग्रेजी फिक्र, अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपनी फिक्र छोड़ के गए, अपना ख्याल छोड़ के गए। आज की हुकूमतें यही चाहती है कि मुसलमान तो रहे लेकिन नाम का मुसलमान रहे, काम का मुसलमान ना रहे। मेरे भाई, हम मदीना पहुंच गए हैं, मदीने वाले को पसंदीदा लिबास पहन के जाए, मदीने वाले की पसंद का होलिया लेके जाए। वो देखकर हमें खुश हो, वो देखकर हमें पसंद करे। हजरात गिरामी, आप अपनी बिल्डिंग से रवाना होंगे तो दरमियान में सदका करना मुस्तहब है, रास्ते में सदका करिए। ये देखिए मस्जिद नबवी है, इधर गौर से देखिए, ये मस्जिद नबवी है। ये मस्जिद नबवी का एक गेट नंबर 1 है, बाबुसलाम। यहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी होती है। लेकिन ये मस्जिद नबवी के चारों तरफ बिल्डिंग है हमारी। बिल्डिंगें कहाँ हैं पूरे? तो अब आप अलबत्ता ये जो लेफ्ट साइड में आपको डार्क एरिया दिख रहा है, ये इधर का कोने का, ये जन्नतुल बकी है। वहां पर 5 किलोमीटर का कब्रस्तान है, वो एरिया में होटल नहीं है। अलबत्ता चारों तरफ बिल्डिंग है। आप करीब का जो दरवाजा है उससे मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाए। आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं, बाबू सलाम से जाओ, तो बाबू सलाम कहाँ है? गेट नंबर 1 है, यहाँ है, देख रहे हैं? तो अब एक आदमी जो है, हाँ, एक आदमी की बिल्डिंग है मान लीजिए लेफ्ट साइड में, तो अब वहां से वो घूम के जाएगा 2 किलोमीटर हो जाए, जरूरी नहीं है। जो दरवाजा आपका करीब में है उससे मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाइए। और ये पीछे वाले हिस्से में लेडीज के लिए सेपरेट इंतजाम, परमानेंट लेडीज को आप वहां छोड़ दीजिए, आप मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाइए। मस्जिद नबवी में दाखिल होने के आदाब, बिस्मिल्लाह व सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्म अफ्तह ली अबवाब रहमती, नवैतु सुन्नत अल-इहतिकाम, दो रकात तहियतुल मस्जिद, दुआ फिर हुजूर की सीरत, कि हुजूर के हम पर क्या क्या एहसान है, हुजूर ने क्या क्या कुर्बानियां हमारे लिए दी है, वो जरा ठंडे दिल से सोचिए, जब कहीं जाकर आगे का फायदा होगा। फिर हम हुजूर के रौजे पर हाजिर होंगे, यहाँ जारी मुबारक आप देख रहे हैं। तो ये जो जारी मुबारक है, ये जो बड़ा दायरा है,
दायरा रहेगा, बड़ा सा दायरा। ये जो गोल बड़ा दायरा है, यहाँ अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे, और उसके बाजू ये जो दो छोटे हैं, दिख रहे हैं, ये हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुम। हुजूर के रोजे पर हाजिरी के आदाब क्या है? हुजूर के रोजे पर हाजिरी के आदाब, ये सलात और सलाम पढ़ेंगे हम, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सय्यद अल अंबिया, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या शफी अल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर हमको मौका मिल जाए तो अत्तहियात वाला जो सलाम है, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वस्सलाम अलैक ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله موقع مل جائے تو یہ سلام عرض کریے اور حضور کے روضے پر حاضری کے آداب کیا ہیں صلاۃ و سلام کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو جانی مبارکہ ہے بڑے ادب سے رہیں अदब क्या है अदब बहुत बड़ी चीज है बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब एक साहब सुना रहे थे अभी अपना वाकया कि एक साहब अपने बच्चे को अपने यहाँ गर्दन पे यहाँ बिठा के लाए तो बिठा के लाए तो एक हाथ से तो बच्चे को पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में उनके चप्पल थे उनके दूसरे हाथ में चप्पल से तो वो बच्चे को बता रहे चप्पल से मेरे को ये उजूर करो था। और हमारे साथ में जेब में मोबाइल है उसमें फिल्म के गाने के साउंड है वो बज रहे हैं उजूर के रोजे के सामने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा ये गाने बज रहे हैं। मैं ये गाना तो नहीं गा सकता ना, मैं बता रहा हूँ ये सब बज रहे। अरे मेरे भाई ये बद करिए बाअदब हो जाइए हुजूर के रोजे पर बड़े अदब के साथ। और आजकल तो क्या हो गया वो वीडियो ले रहे सेल्फी बना रहे, एक बड़ा अजीब मिजाज चल पड़ा है हजरात गिरामी, बड़े बेअदबी की बात, सेल्फी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। और हुजूर के रोजे पर दाढ़ी रखकर जाए, अल्लाह के रसूल बेदारी को पसंद नहीं फरमाते थे। मर्द की पहचान है, औरत की पहचान क्या है जी? चोटी है। मर्द की पहचान दाढ़ी है, दाढ़ी रखी जाइए, कुर्ता पैजामा पहन के जाइए, फीचर लगा के जाइए। हजरात गिरामी ये इतना कीमती लम्हा है कि अल्लाह के रसूल हमारा सलाम सुनते हैं, अल्लाह के रसूल हमारे सलाम का जवाब इनायत फरमाते हैं। कितनी बड़ी अदब की बात है, कितनी बड़ी कुछ नसीबी की बात है। हमारा अल्लाह के रसूल से जितना ताल्लुक होगा उतना हम उसको महसूस करें। ऐसे हम बड़े भी हैं कि जिनके बारे में ये वाकिया है कि वो सलाम अर्ज करे पूरी मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल के सलाम के जवाब की आवाज लोगों ने सुनी। बहुत से वाकियात हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामात हैं। हज़रात गिरामी अल्लाह के रसूल से जितना हमारा ताल्लुक मजबूत होगा उतना हम उसको महसूस करेंगे। हुज़ूर के रोज़े पर सलाम अर्ज़ करने के बाद हजरत अबू बकर और उमर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देख रहे हैं आप ग्रीन कलर में, ये ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है अस्सलातु हुना, ये ग्रीन कलर की बोर्ड दिख रहा, और उसके बाद यहाँ अबू बकर और उमर बोल के ऐसे लिखा हुआ भी, तो ये आसानी से आप पहचान लें। हजरात गिरामी उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं तो
तो ये जन्नतुल बकी है, बहुत बड़ा कब्रस्तान, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का कब्रस्तान। तो ये जन्नतुल बकी जरूर जाइए, हजरत उस्मान की कब्र वही है, हजरत फातिमा वही है, हजरत हसन वही है, हजरत सफिया वही है, हजरत हफ्सा वही है, 10,000 सहाबा है, कितने यकीन नहीं आता वादफा, ये सब इतने बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा वहां दफन है। लेकिन ईरानी क्या करते हैं, सिर्फ हजरत फातिमा की खबर पे खड़े, हजरत हसन की खबर पे खड़े। हम सारे कब्रस्तान वालों के लिए ये सारे सवाब करेंगे, फजर के बाद और असर के बाद जन्नतुल बकी खुलता है, आप जरूर जाएं। ये जन्नतुल बकी क्या, ये दूसरी फोटो है, हजरत उस्मान की खबर आधे किलोमीटर के बाद है, तो आप वहां जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मस्जिद नबवी में आ गए हम लोग एक मरतबा, यहां पर लेडीज रियाजुल जन्ना में जाएगी, ये रियाजुल जन्ना है, पूरी मस्जिद नबवी का कालीन अलग है, रियाजुल जन्ना का कालीन अलग है, हुजूर खवातीन लेडीज जो है वहां से हुजूर के रोजे पर सलाम अर्ज करेंगे और वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। रियाजुल जन्ना लेडीज के लिए 3 टाइम पे खुलता है, कितने टाइम पे, फजर के बाद, जोहर के बाद और ईशा के बाद। और हजरत गिरामी हाजी बड़ा परेशान है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो एप्लीकेशन है, उसमें जो है एप्लीकेशन है उसके अंदर परमिशन लेना है, वो सब चीजें आपके साथ नहीं रहे, आप परेशान मत होइए। हाजी एप्लीकेशन में जो है परमिशन ले गए, वो उम्रे वालों के लिए, अभी 9 मई के बाद वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आप जब चाहे रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। रियाजुल जन्ना जन्नत का बाग है, है? बरकत वाला तो सब मालूम है जी, जन्नतुल बकी की जी? जन्नतुल बकी की ज़ियारत मस्तूरात के लिए भी है, जन्नतुल बकी जन्नतुल बकी की ज़ियारत मस्तूरात के लिए नहीं है, अलबत्ता बाहर से वो खड़े हो जाएंगे तो ऐसी जाली है, वो जाली में से उनको झलक नजर आ जाएगी, उनको जाते आते जन्नतुल बकी दिख जाएगा, मस्तूरात के लिए नहीं, लेडीज के लिए। हजरत गिरामी रियाजुल जन्ना में आपकी 2 रकात नमाज पढ़ी, लेडीज की टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ये सुफा का चबूतरा है, ये देख रहे हैं आप पूरी मस्जिद नबवी में ये सुफा का चबूतरा आपको नजर आएगा, सहाबा वहां बैठकर नमाज पढ़ते थे, हुजूर पढ़ाते थे, ये मदरसा है इस्लाम का पहला, तो वहां पर भी आप वक्त गुजारिए, वहां दुआ करिए, अल्लाह से जो है वहां कुरान पढ़िए, कुरान सीख के जाइए, वहां तिलावत करिए, ये सुफा का चबूतरा, ये मेंबरे रसूल है, हुजूर के जहां खड़े होके खुतबा इरशाद फरमाते थे, फिर उसके बाद ये मेहराब है जहां अल्लाह के रसूल, ये देखिए बोल दिख रहा है, ये अल्लाह के रसूल यहां खड़े होकर इमामत फरमाते थे, ये भी जगह आपको मिलेगी। फिर उसके बाद 7 सुतून होते थे कभी मस्जिद नबवी में, अल्लाह के रसूल इन 7 सुतूनों के पास वक्त गुजारे, आप भी अपना वक्त वहां पर गुजारिए, वहां नमाज पढ़िए, वहां बैठिए, जिक्र करिए, तिलावत करिए। और ये एक जगह है जिसको कहते हैं हुजूर के जमाने की मस्जिद है, ये ऐसा लिखा हुआ है हुजूर के जमाने, पिलर है ना, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऊपर में ऐसा ये लिखा हुआ है कि हुजूर के जमाने की मस्जिद यहाँ तक थी, तो उसके अंदर रहने की कोशिश करिए, उसके अंदर नमाजें पढ़ने का एहतमाम करिए। कब्र में हम लोग
ज्यारा बोल के जाते हैं, क्या ज्यारत, तो ज्यारत का मतलब मदीने के मकामात का घूमना है। तो ज्यारत हमारा हैदराबाद का उर्दू का ज्यारत नहीं, अरबी में ज्यारा बोले तो विजिट को बोलते हैं, घूमने। तो ये ज्यारा जो है आप टैक्सी करेंगे मस्जिद नबवी के बाहर से, मस्जिद नबवी के बाहर आ गए आप अपने लेडीज को लेके, तो टैक्सी वाले पुकारते रहेंगे ज्यारा ज्यारा ज्यारा। तो ज्यारा का मतलब वो पूरे मदीने के मकामात घुमा के लाएगा। तो उसके अंदर हम पहली जगह जो जाते हैं वो मस्जिद कुबा है, क्या है मस्जिद कुबा है, वहां जाकर दो रकात नमाज पढ़ने पर उम्रे का सवाब मिलता है, वहां जरूर आप जाइए दो रकात नमाज पढ़िए। ये मस्जिद कुबा की ये तस्वीरें हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद बना दी हुकूमत। मस्जिद कुबा के बाद हम लोग जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन, जहां पे मुसलमानों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस से काबतुल्लाह की तरफ कर दिया गया। ओहद का पहाड़ है ये, फिर यहाँ पर 70 सहाबा शहीद हुए थे वो है, ये एक मस्जिद है मस्जिद हमजा। तो यहाँ हुजूर उन शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ाए थे। तो ये मकामात हैं, और एक एरिया है 7 मस्जिदों का, वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये वही की मैंने तस्वीर ली है, वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है बैटल ऑफ ट्रेंट साइट, यानी 7 मस्जिदें। खंदक के बल सहाबा अपनी अपनी जगह नमाज पढ़ते थे, खंदक खोलते थे, तो वो खंदक की वक्त की छोटी छोटी मस्जिदें, एक यहाँ है यहाँ से 100 कदम के बाद, तो 7 मस्जिदों का एरिया। अभी वहां पर हुकूमत बड़ी मस्जिद बना दी छोटी मस्जिदों को तोड़ के, तो वहां पर भी आप दो रकात वक्त मिले मकरूह वक्त ना हो तो नमाज पढ़ी। ये देखिए सभा मसाजिद, ये छोटी छोटी इस तरह मस्जिदें दिख रही है, भाई सब समझ में आ रहा है। उसके बाद है मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत हो गई। मदीने मुनव्वरा के मामूलात क्या होना चाहिए कि हमारी 40 नमाजें तकबीर उला के साथ कहाँ हो, मदीने नबवी में हो, 40 नमाजों का एहतमाम हर हाजी करता है, हमेशा बावजू रहे मस्जिद नबवी में, 5 वक्त नमाजें अदा करें हुजूर के रोजे पर, और जन्नतुल बकी और हजरत अबू बकर उमर को हर रोज हाजिर हो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, तिलावत का अहतमाम करें, एक नफिल रोजा हो सके तो रख लें, औकात का सही इस्तेमाल करें, और जबान का भी ये लगाम इस्तेमाल ना करें, जरूरत है तो बोलिए फिर खामोश रहिए। हजरात गिरामी, ये मदीने मुनव्वरा के मामूलात हैं। मदीने से खजूर खरीद लीजिए, मदीने का सुरमा होता है इस्मित सुरमा, वो भी खरीद लीजिए, हदीस में उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। और मदीना जाने से पहले मदीने वाले नबी को जान लीजिए, क्या है ना मदीना शहर तो आप देखेंगे, आज की रौनकें आप देखेंगे, वहां की चमक दमक देखेंगे, लेकिन मदीने वाले आका ने क्या कुर्बानियां दी थी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाही अलैह के बारे में आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाही अलैह कभी मदीने में चप्पल पहनकर नहीं गिरे। इमाम मालिक के पास हारून रशीद घोड़ा भेजा कि हजरत आप घोड़े पे सवार होके मेरे पास आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हजरत इमाम मालिक ने घोड़ा वापस कर दिया और कहा कि मैं मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में घोड़े पर सवार नहीं हो सकता। आज हमारा हाजी मदीना तो जाता है लेकिन मदीने वाले से रिश्ता जोड़िए, हमारे बड़ों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी,
حضرات گرامی مدینہ منورہ ہمارے لیے عشق و محبت کا سفر ہے. حضور کی سیرت طیبہ آپ ضرور پڑھیے, اور اس موضوع پہ اللہ نے بندے سے جو کتاب لکھائی ہے وہ بہت مفید ہے, بہت آسان ہے, اور ہم نے آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے لکھا کہ ایزی میتھڈ. آدمی کو ایزی ہو, 45 سال کے بعد ایک ایک سال, 41واں سال کیا ہوا, 42واں سال کیا ہوا, ایک ایک سال ہم پڑھیں گے آسانی سے ہم کو معلوم ہو جائے. حضور کی سیرت ہم پڑھتے ہیں لیکن ٹرمینالوجی ہم کو نہیں معلوم ہوتی. ازواج متقلات بولے تو نہیں معلوم, بیعت بولے تو نہیں معلوم, صلح بولے تو نہیں معلوم, خطبہ بولے تو نہیں معلوم, روایت بولے تو میں نے وہ ٹرمینالوجی بھی الگ سے لکھی کہ حضور کی سیرت پڑھنے والا بھلے ٹرمینالوجی یعنی کیا مطلب کیا ہے وہ سمجھ گیا تو پھر سیرت سمجھ میں آ جائے. تو اس کو ضرور پڑھیے, ضرور عام کرنا ہے, اس کو سیرت کا ایک کام ہم کو کرنا ہے. اب ہم مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں مکے کے لیے. مدینہ اب ہم قیام کر چکے, 8 دن ہمارا مکمل ہو چکے, تو اب ہم مدینے سے مکہ روانہ ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ مدینے میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں, کوئی کام فرض ہے واجب ہے نہیں, رولز اینڈ ریگولیشن اب شروع ہوتے ہیں. عمرے میں ہیں فرض اور واجب, وہاں پہ قاعدہ قانون کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ محبت میں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. کیا جب ہوتا ہے, ارے بھائی میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو محبت میں کوئی رول ریگولیشن ہوگا کیا؟ بیوی ہے لیکن لمیٹڈ ہے, وہاں رول ریگولیشن ہے کہ بیوی ہے تو ایک لمٹ ہے, ماں باپ ہے وہاں محبت کا کوئی لمیٹیشن, اللہ کے رسول سے محبت ہے وہاں کوئی فرض واجب, یہاں اللہ کا دربار ہے. اب یہاں قانون کی بات ہوگی, یہاں رول کی بات ہوگی, یہاں ریگولیشن کی بات ہوگی. حضرات گرامی, مدینہ منورہ سے جب ہم روانہ ہوں گے تو آپ کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی بلڈنگ ہی میں غسل کر لیجیے, آپ اپنی بلڈنگ ہی میں احرام باندھیے. احرام کہاں باندھیں گے, کہاں باندھیں گے, ہاں بلڈنگ میں, بلڈنگ میں جو ہے احرام باندھ لیجیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سہولت اسی میں, کیوں مدینے کی جس بلڈنگ میں ہے آپ کے فلور میں مان لیجیے 4 روم ہیں, ہر 4 روم کے اندر جو ہے آپ کو ٹوائلٹ اور واش روم الگ الگ ہے, تو آپ 4 آدمیوں کے لیے آسانی سے غسل کر سکتے ہیں. وہی آگے جا کے ہم ذوال حلیفہ, یہاں پہ یہ ذوال حلیفہ کی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے, تقریباً 200-300 بسیں وہاں رک سکتی ہیں, اتنی بڑی پارکنگ ہے. یہاں جب ہم جاتے ہیں تو حاجی بہت زیادہ اگر آ گئے تو وہاں پر ہمارے لیے لائن میں ٹھہرنا پڑے, تو اس لیے ہم بلڈنگ میں ہی احرام باندھیں گے, بلڈنگ میں جو ہے تیار ہو جائیں گے. البتہ ہم یہاں پر مسجد ذوال حلیفہ یہاں پہنچ کر دو رکعت نماز پڑھیں گے, یہاں پر عمرے کی نیت کریں گے. کس کی نیت کریں گے, حاجی ہیں ہم لیکن عمرہ کریں گے پہلے, اس کو کہتے ہیں حج تمتو. کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے سہولت اسی میں ہے کہ پہلے ہم عمرہ کمپلیٹ کر لیں, تو اس لیے پہلے ہم عمرہ مکمل کرتے ہیں پھر جب حج کے دن آتے ہیں جب حج مکمل کرتے ہیں. تو مسجد ذوال حلیفہ میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی, یہ ذوال حلیفہ کی مسجد کے اندر کا اندر کی یہ لیڈیز کا یہ الگ سے ذوال حلیفہ میں آپ نماز پڑھیے, نیت کریے, تلبیہ بولیے, اب پابندیاں شروع ہو گئی, اب حاجی لڑ نہیں سکتا ہے. جی ارے بھائی زندگی میں نہیں لڑ سکتا, احرام باندھ کے تھوڑی لڑے گا, غصہ نہیں کر سکتا. حاجی جو ہے
पाबंदियों में आ जाए। अदराजी गिरामी, उसके बाद हम उमरे के लिए रवाना होते हैं। तो ये उमरे के बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, हमको जहन में रखना है। ये लंबाई हम पढ़ चुके हैं, लंबाई हम पढ़ चुके हैं, तलबिया बोलते हैं उसको, पढ़ना शर्त है। तर्जमा भी आ चुका है। ये उमरा हम कैसे अदा करेंगे, ये पूरा तरीका है, ये बंदे का तैयार किया हुआ है पूरा मंदिर। हाँ, ये बात आ चुकी है सेहत और तरबियत। उमरे से क्या मिलता है, उमरे से अल्लाह तबारक व तआला राजी होते हैं। अल्लाह ने फरमाया हज और उमरा करने वाला अल्लाह का मेहमान है। तो मेहमान है तो दिल देने वाले कौन है, अल्लाह है। हम अल्लाह के मेहमान हैं, किसी और के मेहमान नहीं है। और मेहमान क्यों बनाया है अल्लाह ने, कि जो हाजी मांगेगा वो इनायत फरमाएंगे। अब यहां से उमरे के फराइज हैं। उमरे में दो काम फर्ज हैं, एहराम नियत और तल्बिया। दूसरा है तवाफ। दो काम वाजिब हैं, सफा मरवा की सही और दूसरा हलक या खसर। फर्ज और वाजिब का फर्क क्या है, फर्ज छूट जाए तो उमरा ही नहीं होगा और वाजिब छूट जाए तो, वाजिब छूट जाए तो क्या करना पड़ेगा, भाई ना जी दम देना पड़ेगा। जब बोले तो कुर्बानी बकरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा जो है हमने अपनी किताब में इसको जो है स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ताकि हाजी जो है अपने साथ चेक करे कि हाजी कहाँ पर है, उसको क्या क्या करना। एक हाजी साहब हैदराबाद में मुझसे बोलने लगे कि मुफ्ती साहब, इस साल आप हमारे साथ हज को चल रहे हैं, आप हमारे साथ हज पे रहेंगे। बोला भाई मेरे को नहीं मालूम, अब तक आपको कैसे मालूम हुआ। तो बोले नहीं, किताब दिखा के बोले देखिए आप हमारे साथ रहेंगे। अब बामिया तक वो बंदे ने अरफात में हमारी किताब की जो दुआ थी वो पढ़ के दूसरे दिन मुझे फोन करके बोला कि मैं आपकी वो दुआ पढ़ा, आपके लिए दुआ कर। गिरामी आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने किताब लिखी, साथ में रखिए बड़ा फायदा होगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। आपको फर्ज वाजिब कहाँ क्या करना है अप टू डेट रहेंगे, मसाइल में, दुआओं में, जनरल इंफॉर्मेशन में, लेटेस्ट मालूमात में। ये हो गया हमारा उसूल वगैरह सब हम करे थे। ये है एहराम, मर्द का एहराम। दो चादरें होती हैं, दो चादरें हैं, एक तहमत के तौर पर और दूसरी लुंगी के तौर पर हम बांधते हैं। सफेद में होना बेहतर है, उसको सफेद कलर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। औरत का कोई एहराम नहीं है, एहराम लेडीज का कोई पर्टिकुलर, मर्द का जैसा है वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ हालत एहराम में नकाब चेहरे पे लगा के नहीं रखना है। एहराम की पाबंदियां क्या है, एहराम की पाबंदियां ये हैं कि हालत एहराम में वहां दरख्त नहीं काटना है, दिख रहा है ना, ये देख रहे कि एहराम की हालत में, अल्लाह एहराम की हालत में वहां के दरख्त नहीं तोड़ना है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है। एहराम की हालत में टोपी नहीं लगाना है, बनियन नहीं पहनना है, सर नहीं ढांपना है, शूज नहीं पहनना है। हालत एहराम में टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, लिक्विड इस्तेमाल, नीकैप भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन नीकैप 24 घंटे कंटिन्यू नहीं पहने, कंटिन्यू 24 घंटे नहीं पहने। आप 2 घंटे पहन लीजिए, निकाल दीजिए,
आधे घंटे का ज्ञान दीजिए फिर पहने। एक मर्तबा जब दो दो घंटे के लिए आप पहनेंगे तो सदकतुल फित्र के बराबर सदका करना है। पतला लिया सदका कर दीजिए काफी, ठीक है। हाथ धोनी क्या दो घंटे के बाद उतार, फिर एक आधा घंटा निकाल के फिर पहने। शूज पहन सकती है, लेडीज ग्लाउजेस पहन सकती है, मर्द नहीं पहन सकता। दो घंटे तक पहन के निकालना बोले तो क्या है वो समझ में नहीं आई बात। कौन सा भी दो घंटे पहन सकते हैं उसके बाद निकालना बोले देना। मसला क्या है कि आप कंटिन्यू 24 घंटे पहन के रहेंगे, एक दिन 24 घंटे पहन के रखेंगे तो दम वाजिब होगा। तो कंटिन्यू 24 घंटे नहीं पहनना, आधा दिन पहने आप 12 घंटे तो आधे बकरे की कुर्बानी की कीमत देना पड़ता। उससे बचने के लिए क्या बताइए आज सब क्या होती है? ठीक देखिए पट्टी और हाजी साहब आज ठहरने में वो पूछे चप्पल अभी आ रहे, आपके सारे जवाब आ रहे हैं। ये पहन सकते हैं आप, ये चप्पल, ये स्लीपर पहन सकते हैं, बेल्ट सिला हुआ होता है तो भी बांध सकते हैं, अंगूठी लगा सकते हैं, घड़ी लगा सकते हैं, ऐनक लगा सकते हैं, छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक भाई हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो बोलना पड़ेगा ना, मेरे को तो बोलेंगे मुफ्ती साहब कहते हैं मुफ्ती साहब है हमारा मसला नहीं बता रहे। अब यूट्यूब देखते देखना नहीं देखना क्या है सर, तो हमारे जो बच्चे कर रहे हैं वो बोलना पड़ेगा ना। आजकल हमारे पास लोग क्या बोल रहे हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए फेसबुक पे डालने के लिए, क्या बोल रहे हैं, मैं तवाफ करता हूँ अल्लाह के लिए व्हाट्सएप पे डालने के लिए। जी जी कोई भी कलर की ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उम्रे की नियत है, अल्लाह मैं आपके लिए उम्रा करता हूँ आसान फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद हम अपनी बिल्डिंग से हरम शरीफ के लिए जाएंगे, अजीजिया में है ना हम लोग, तेलंगाना का हाजी कहाँ पर है, अजीजिया, तो अजीजिया से बिल्डिंग के जरिए हरम शरीफ जाएंगे। ये हरम शरीफ के बाहर की इमारत है, ये हरम शरीफ के दरवाजे हैं, ये हरम शरीफ हमारे सामने, जी भर के दुआ करिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के घर हमारी हाजिरी हो रही है, तो फिर यहाँ पर आम तौर पे हमारे पास लोगों में क्या मशहूर है कि पहली नजर की दुआ कबूल होती है। तो हाजी बड़ा परेशान होता है कि पहली नजर की पहली दुआ क्या करना, या सब एक ही दुआ करेंगे, एक ही करेंगे। अरे भाई ये कब से हमने बना लिया कि अल्लाह एक ही दुआ कबूल करेगा, मेरा अल्लाह तो बेहिसाब देने के लिए बैठा, हम उसको लिमिटेड कर दिए। एक बद्दू एक तिहाजी आया, एक तिहाजी मस्जिद में आया, हुजूर देख रहे थे नमाज पढ़ा, उसके बाद जोर से दुआ करा अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदन वला तरहम माना अहदन, जोर से दुआ करा, क्या बोलिए, अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम कर, उसके अलावा किसी के ऊपर रहम मत कर। हुजूर उसको बुलाए इधर, बोले क्या करा दुआ, तो तूने ये दुआ की,
तूने अल्लाह की इतनी रहमत को इतना समेट दिया। अल्लाह हमको 40 दिन के लिए बुलाए हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, हाजी पहली नजर नहीं मान लो, उसके बाद नहीं मानना, उसके बाद अल्लाह कबूल नहीं करता, ऐसा है क्या? अरे भाई आप अपने घर मेहमान को बुलाए, आप बोल रहे हैं ये दस्तरखान पे जितने खाना आए मुश्कान में उत्तर है, उसके बाद नहीं है, इज्जत है ये बेइज्जती है। अरे अल्लाह ये बोलेगा तू पहले बार मांग लिया खत्म। और हजराती गिरामी बात ये है कि खूबी हमारी आंखों में है या खूबी काबे में है, खूबी किसमें है, खूबी किसमें है, अल्लाह के घर में है। तो अल्लाह का घर हमारी एक बार देखने से खत्म हो गया, हम जब जब देखेंगे अल्लाह जब जब हमारी दुआ कबूल करेगा। हजरत समझ में आ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हाँ पहली बार भी दुआ करो ऐसा नहीं है, जब भी हम काबे को देखकर दुआ करेंगे अल्लाह हमारी दुआ को कबूल ही कबूल करेंगे। मगर हजरत उमरे में दो फर्ज थे, एहराम नियत तल्बिया को हो गए, दूसरा फर्ज काम है तवाफ करना। अब हम तवाफ शुरू कर रहे हैं तो तल्बिया बंद कर दीजिए, बावजू हो जाइए, हजरे अस्वद के पास पहुंचिए, फिर उसके बाद इज्तिबा राइट शोल्डर खुला रखना है, राइट शोल्डर हमारा खुला रखना है, फिर उसके बाद तीन चक्कर में रमल करना है, फौजियों की तरह बहादुरों की तरह अकड़ के चलना है, क्या करना है, फौजियों की तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के तवाफ शुरू करना है। तवाफ हतीम के बाहर से करेंगे, हर चक्कर में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलेंगे, पेट और पीट और सीना काबे की तरफ नहीं होना, तवाफ करते जब हमारी पीठ भी नहीं होना और सीना भी नहीं होना। हर चक्कर में रब्बाना आतीना पढ़ना, 7 चक्कर मुकम्मल करना, 8 मरतबा तकबीर होगी, तकबीर कितनी मरतबा होगी, इन तरह हाथ उठाएंगे हम कितने मरतबा, दोनों हाथ उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हजरे अस्वद हम कैसे पहचाने, ये देख रहे हैं ये हजरे अस्वद का ये कोना है, ये कोने की पट्टी पे अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, किसी पट्टी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये पट्टी पे। दूसरी पहचान ये है कि दरवाजा है बाजू, तीसरी पहचान ये है कि उसके बिल्कुल अपोजिट लाइन में ग्रीन लाइट लगी हुई है, और चौथी अलामत ये है कि पूरे कोनों में से सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे होती है। भीड़ कहाँ पे होगी, हजरे अस्वद के कॉर्नर पे ही होगी, बाकी सब फिर फैल जाएगी, सारे आके वहां जमा होते हैं। फिर उसके बाद ये इज्तिबा राइट शोल्डर हमारा खुला रहेगा, पीछे चक्कर में सात चक्कर होंगे पूरे तवाफ के। फिर ये काबे के हतीम की दीवार है इसके बाहर से करेंगे, ये 7 चक्कर है, हजरे अस्वद से शुरू होगा और हजरे अस्वद में खत्म होगा। तवाफ मुकम्मल हो गया, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ना है, अगर वहां जगह ना मिले तो पूरे हरम में कहीं भी पढ़ सकते हैं। फिर जमजम पीजिए, जमजम पीने के बाद सफा के लिए जाएंगे, हजरे अस्वद की बिल्कुल अपोजिट में आप चलेंगे तो आप सफा पे पहुंच जाएंगे। सफा पे पहुंचिए, काबे की तरफ इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलिए, फिर सफा से चलना शुरू करिए। तो यहाँ पर सफा के पास ये अभी बड़ा पहाड़ बाकी नहीं है, अभी बहुत पूरा एसी हो गया, तो थोड़े थोड़े पत्थर वहां पर पहाड़ की निशान के तौर पे हुकूमत उनको बांधी रखी हुई। ये जाने का रास्ता है तवाफ, सही शुरू हो रहा है, ये जाने का रास्ता और वापस आने का रास्ता, और पूरे 4 फ्लोर में आप सही कर सकते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सही के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये ग्रीन लाइट है जहाँ पर मर्द आदमी को तेज चलना है, इतना तेज नहीं कि रेस हो जाए, कंपटीशन हो जाए। हमारे साथ लेडीज भी रहेगी ना, तो वो भी दुआ करते हुए चलेंगी। क्या बोल के? क्या बोल के दुआ करेंगे? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह दुआ करेंगे, या अल्लाह घर दे दे, या अल्लाह बंगला दे दे, या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह सेहत दे दे। सब चीजें अल्लाह से ही मांगना है भाई। लेकिन हाजी वहां पर इतना स्पीड भागा कि अब हाजन जो है वो परेशान हो गई कि अल्लाह या अब्दुल्ला कहां गया, अल्लाह अल्लाह बोल रही थी, अब क्या बोल रही, अब्दुल्ला कहां गया। और अब्दुल्ला एहराम में है, पूरे अब्दुल्ला किसमें है, पूरे अब्दुल्ला एहराम में है, किसको पहचाने। हाजी साहब तेज चलने का मतलब ये है कि आप वहां पर रफ्तार को तेज कर दीजिए, पर भागने की जरूरत, सफा से जाते हुए और वापस आते हुए। उसके बाद हमको सर के बाल बनाना है, मरवा से बाहर निकलेंगे। आपकी आसानी के लिए जो क्लॉक टावर है ना बिल्डिंग घड़ियाल, तो वहां आप आ जाइए, तो वहां हजामत खानी है, आपको 5 रियाल 10 रियाल में आपकी सर के बाल बना देंगे। लेडीज अपने हाथ से 1 इंच बाल लेडीज खुद अपने हाथ से काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उमरा मुकम्मल हो गया, आप बिल्डिंग आ जाइए, गुस्ल करिए, एहराम खोल दीजिए। उसके बाद आप पाबंदियों से आजाद हैं, आप सिर्फ हरम शरीफ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तवाफ करेंगे। जब चाहे हम उमरा कर सकते हैं, उमरे की ये फराइज और वाजिबात हैं। अलबत्ता हम मस्जिद आयशा जाएंगे, वहां जाकर एहराम बांध कर आएंगे। अलबत्ता एक मशवरा आपके लिए ये है कि जो उड़ाना जाना में जाना भाई ना, जो राना जाना में, जो राना मक्के में है, टैक्सी वाले को आप बोलिए तो वो 25 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर वहां आप जाइए, वहां से एक मरतबा उमरे का एहराम बांध के आके उमरा करिए। क्यों? इसलिए कि हुजूर वहां से एहराम बांध के आए, ये बड़ी हमको फजीलत हासिल हो जाए। जी लेडीज के बाल खुद लेडीज काट लें, खुद लेडीज अपने बाल काट लें, महरम काटने की जरूरत नहीं। आपका आवाज नहीं है आपकी? हाँ, मदीने से आप जाएंगे मक्का तो फिर वापस मदीना नहीं आएंगे, पूरा सामान लेके मक्का जाएंगे, फिर उसके बाद दोहराना होगा, फिर उसके बाद असल हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो असल सफर का मकसद है वो क्या है। إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
ही वाल बैती ही वाल वाली व दुर्रियाती ही अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान व दअ बि दअवती इला यौम अद्दीन वक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अल-फ़ुरक़ानिल हमीद وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج الأشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات اور خواتین الحمدللہ صبح کے سیشن میں آپ حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب اور وہاں کے معمولات اور وہاں کی خصوصیات آپ نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے دیکھی اور عمرے کا طریقہ بھی الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. اب جو موضوع ہمارا ہے وہ حج کے پانچ دن ہیں. بہت اہم موضوع ہے, ہمارے سفر کا خلاصہ ہے. اور چونکہ الحمدللہ ہمارے تلنگانہ کے حاجیوں کی روانگی بھی جمعرات کو 9 مئی کو شروع ہو جائے گی, تو اس مناسبت سے کہ بالکل وقت قریب ہے تو بنیادی باتیں آپ کے کافی پروگرامز میں آ چکی ہوں گی, آپ حضرات نے ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کیا ہوگا کہ جیسے اپنے معاملات کو درست کرنا, اپنے حقوق کو ادا کرنا, جن سے ہمارے تعلقات خراب ہیں ان سے معافی چاہنا. ہم نے ستایا ہے جن کو ہم نے تکلیف دی ہے, جن کے ہم پر حق ہیں ان سے ہم کو بات کرنی پڑے. سوشل میڈیا پہ ہم ڈال رہے ہیں کہ جن سے بھی جو بھی جب بھی جیسی بھی اونچ نیچ ہوئی ہے آپ معاف کر دیجیے. کسی کے ہم پر حقوق ہیں, ہماری ذمہ داری ہے ہم ان سے جو ہے بات چیت کریں. اور خاص طور پر ہماری رشتہ داریوں میں جو دراڑ آ جاتی ہیں, بھائی بہن ہیں, ہمارے ددیال ننیال سسرال کے رشتہ دار ہیں, تو ان سے ہم کو معافی تلافی کرنی چاہیے. حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہ جو ہم سب کے بزرگ ہیں اور بندے کے استاد ہیں, ہمارے اس کام کے سرپرست ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جب تم کو معاف کر رہا ہے, جب اللہ تمہارے گناہوں کو بخش رہا ہے, تو تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر کے جاؤ. آپ ہم جا کر کسی سے معافی مانگیں گے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں, ہمارا درجہ کم نہیں ہو جائے, بلکہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ بلند ہو جائے.
بنیادی گرامی، حج کے سلسلے میں جو بات حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ جو حج کرے اور حج کے درمیان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی خلاف حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ ایک آدمی غیر مسلم تھا، ہندو تھا، کافر تھا، عیسائی تھا، وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام سے پہلے کے گناہ معاف ہیں۔ ویسے ہی حج ہے کہ حج سے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے اندر بندوں کے حقوق نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں اس کی ہم کو معافی اور اس کا کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ کسی کا ہم نے کوئی حق لیا ہے، وہ حق ہم کو پہنچانا پڑے گا، ہمارے کہنے سے وہ نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کی کوئی زمین ہے، کسی کا کوئی حق ہے، اور خاص طور پر جائیداد میں حصہ، وراثت میں جو ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ تو اس سلسلے میں بھی جو ہے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جب ہم کو حج کے لیے بلائے ہیں، تو میں نے صبح بھی آپ سے یہ بات کہی کہ حج تو 5 دن میں ہوتا ہے، 5 دن میں حج مکمل ہو جائے گا۔ ایک نوجوان ہے جو ماڈرن تعلیم حاصل کیا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ حج کمیٹی جو ہے وہ 35, 40 اور 45 دن کے لیے حج کے لیے سفر کرا رہی ہے، تو وہ یہ پوچھتا ہے جب حج 5 دن میں ہو جاتا ہے تو پھر اتنے لمبے سفر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جواب ہے کہ بھائی آپ اپنے رشتہ داروں سے مل لو، آپ اپنے بھائی بہنوں سے مل لو، اس لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حاجی یہ کہتا ہے کہ حج 5 دن میں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، حج ہوتا ہے 5 دن میں عمل کے اعتبار سے، لیکن باقی رہتا ہے زندگی بھر۔ ایک جمعہ کی برکت دوسرے جمعہ تک ہوتی ہے۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کام کرتا ہے، برکت رہتی ہے۔ ایک رمضان کی برکت دوسرے رمضان تک باقی رہتی ہے، لیکن حج زندگی میں صرف ایک بار ہے۔ ایک صحابی حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا، افی کل عام حج یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ بعد میں قرآن مجید کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم حین ینزل القرآن، کیا ایمان والوں ان چیزوں میں مت پڑھو جن کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی خاموش ہوں۔ بعد میں اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلا کر بتایا کہ میں نے تمہارا سوال سنا تھا، اگر میں ہاں بول دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو ہمارے یہاں سنی سنائی باتیں بہت چلتی ہیں۔
कि लोग आपको बोलेंगे हाजी साहब आपके हज के बाद कितने दिन तक दुआ कबूल होगी, कितने दिन तक? लोग बोलते हैं 40 दिन तक। कितने दिन तक दुआ कबूल होती है? लोग बोलते हैं, आवाम हमारे पास जो है लोगों का कहना है, तो क्या हज 40 दिन तक के लिए है? 41वें दिन से ख़त्म हो जाएगा? कोई रिचार्ज थोड़े ही है जो 28 दिन का कराए आप 29वें दिन डिसकनेक्ट हो जाएगा। हज की वैलिडिटी 40 दिन के लिए, हज पूरी ज़िंदगी के लिए। हज और हज़रात गिरामी, अभी सिर्फ थोड़े साल 50-60 साल पहले जो लोग हज के लिए जाते थे, एक हज करते थे और ज़िंदगी बदल जाती थी। लोग बोलते थे देखो भाई ये हाजी साहब है, ये देखो इनका ये अमल है। लेकिन अब मौजूदा ज़माने में हाजी हज भी कर रहा है लेकिन मालूम ही नहीं हो रहा है कि वो हाजी। हैदराबाद के बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े इदारे के बहुत बड़े आलिम, हज कमेटी के कैंप में उन्होंने खुद कहा, मैं गवाह हूँ कि उन्होंने कहा कि जब वो वापस आ रहे थे जद्दा से, तो वो जो फ्लाइट में बैठे थे तो लोगों की बातचीत और बोलने का अंदाज और उनका तौर तरीक़ा और उनकी शक्लें देख के मालूम नहीं होता था कि ये लोग हज करके आ रहे हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत से पहले हज पिकनिक बन जाए, सैर व तफरी बन जाए, कि आदमी तफरी के लिए जैसे जाता है वैसे जाए, कोई तैयारी नहीं, कोई उसका प्रिपरेशन नहीं। तो इसलिए हज, हज से पहले, हज में और हज के बाद, ये तीन पहलू हमारे सामने होना ज़रूरी है कि हज से पहले हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि हम क्या करें, और हज के 5 दिनों के जो आमाल हैं वो तो आ ही जाएं, वो तो सीखना ही सीखना। और हज के बाद की ज़िंदगी बहुत एहतियात की ज़िंदगी, कदम कदम पर, छोटी छोटी बात पर सोच समझ कर अमल करना है। हमारी ज़िंदगी में फ़राइज़ आ जाएं, हमारी ज़िंदगी में मामलात आ जाएं, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी आ जाए। हज़रात गिरामी, हमारा ये जो सफ़र हो रहा है, इस सफ़र के अंदर तीन बातें, क्योंकि हमारा जो तरबियती कोर्स है, हमारी जो तरबियती क्लासेस होती हैं, तो उसके अंदर मैं आम तौर पे हाजियों से यही कहता हूँ कि हज और उम्रे के मसाइल आप जो है गहराई से उसको समझिए। एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब, शाही मुरादाबाद, 14 साल कंटिन्यू हज किए। कोई मामूली बात नहीं कि कंटिन्यू 14 साल हज, और जब हज से वापस आए 14 साल के 700 पेजेस की किताब लिखी अनवारे मनासिक, उसके बिल्कुल टाइटल पे, किताब का ये टाइटल है, टाइटल पर हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है कि हज और उम्रे के मसाइल बड़े नाजुक और पेचीदा हैं। और हज़रत ने लिखा कि एक माहिर तजुर्बाकार आलिम दीन भी किताब देखे बगैर मसला नहीं बता सकता। कौन बोल रहा है? 14 हज किए, 700 पेजेस की किताब लिखे, वो कह रहे हैं। और हमारे यहाँ हाजी क्या बोलता है? हज उम्रे के मसाइल, अल्लाह गफूर यार, चलो माफ़ करते हैं, अल्लाह चलो, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर, चलो। क्या हम हज के लिए जा रहे हैं
اور پھر ہم یہ دل کو تسلی دے لیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, یہ بات مناسب ہے. بہت زیادہ غفلت ہے, بہت زیادہ اس معاملے میں حاجی ٹیک اٹ ایزی ہے, ٹیکنگ گرانٹیڈ ہے. حضرات گرامی, ہم کو ایزی نہیں لینا ہے. حج کے مسائل بڑے نازک ہیں, سعادت بھی ہے نزاکت بھی ہے, اور دوسری چیز ہے حج و عمرے کے دعائیں. اللہ کے رسول کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ صبح و شام پڑھنے کی, کھانا کھاتے وقت کی دعا, پانی پیتے وقت کی دعا, اور ہر چیز کی دعا ہے ہمارے پاس. ہم لوگ دہیج لیتے نا اس کی بھی دعا ہے, معلوم آپ کو نہیں معلوم؟ ارے بھائی جہیز میں کوئی باہر کی باتیں نہیں بول رہا, جو کام ہم سوسائٹی میں ہو رہی ہے وہ بول رہا ہوں. ہمارے پاس جہیز لین دین ہے نا مسلم سوسائٹی میں, نہیں ہے؟ کامن بات ہے بھائی, کون اللہ کا ولی ہے کہ جو بچا ہوا ہے, ورنہ جہیز بالکل ہر جگہ کلم کلا, اور جہیز کی بھی دعا ہے, نہیں معلوم؟ سب عمل کر رہے ہیں, جہیز کی لسٹ بازار میں ملتی. ہمارے گھریلو خواتین بولتے جا کے لاؤ جی, وہاں دکان میں ملتی, دیکھو جا کے بولو, خالی جہیز کی فہرست بولے تو دے دے. ہمارے گھر والوں کو معلوم. اور وہ جہیز کی دعا کیا ہے, اس کے اوپر سب سے پہلے قرآن مجید لکھا ہوا ہوگا, دیکھ لیجیے. حضرات گرامی, کہ ہم غلط کام کریں اور اس کو جو ہے سورہ, اس کو جو ہے اسلام کا جو ہے مسلمان بنانے کی کوشش کریں, جہیز بالکل درست نہیں ہے. اس کو ہم اوپر قرآن لکھنے سے جہیز حلال نہیں ہو جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کی ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی دعائیں, مسنون دعائیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا, ہمارے کورس میں, ہماری کلاس میں ہم حاجیوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ قرآن میں جتنے اللہ کی سے دعا آئی ہے وہ پوری دعا یاد کرو, میں یہ نہیں بول رہا. حدیث میں جتنی دعا آئی ہے وہ یاد کرو نہیں بول رہا. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ حج کے اس سفر میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مقام پر کیا دعا پڑھی. ہم اور آپ یہ مانتے ہیں, ہم لاکھ کوشش کر کے ہمارا حج اللہ کے رسول کے جیسا حج نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا, لیکن میں اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں کہ میرے آقا, ہمارے آقا نے جس مقام پر جو دعا پڑھی ہے ہم وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں کیا دعا مانگی, عرفات میں کیا دعا مانگی, مزدلفہ میں کیا دعا مانگی, تو ہم اس کا تو اہتمام کر سکتے ہیں. اور حج کا ہمارا یہ سفر دعاؤں کا سفر ہے. کیسا سفر ہے حج کا؟ دعاؤں کا سفر, اللہ سے مانگنے کا سفر ہے, اللہ سے لینے کا سفر ہے. ہم جتنا مانگیں گے وہ ملے گا, جیسے مانگیں گے وہ ملے گا. اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور جب ذوالحلیفہ پر احرام باندھے, جب سے لے کر احرام کھولنے تک اللہ کے رسول کی زبان مبارک مستقل حرکت میں تھی. تو اللہ کے رسول مانگتے رہے. حضرات گرامی, آپ کوشش کریے. ایک حاجی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ کیا کرنا, تو جواب یہ ہے کہ یاد کرنا. جی
जिनको दुआ याद नहीं है क्या करना, दुआ याद करना, याद करने के लिए 10 दिन लगाना, 10वें दिन फिर पूछना कि भाई मैंने 10 दिन कोशिश की, अब याद नहीं हुई, अब क्या करना, सही है। तो पहले ही दिन हम लोग बोलते हैं एग्जेम्पशन दे दो आप। एक बंदा उम्रे के लिए जा रहा था, आदि उम्रे के लिए जाते हैं ना लोग, तो उम्रे को जा रहा तो बड़ा दिलचस्पी थी, पहली मर्तबा जा रहा, तो ट्रैवल्स वाले से जाके बोला भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्या करना, क्या मांगना, क्या दुआ करना। तो वो ट्रैवल्स वाला उसको बोला कई को फिक्र कर रहे, मैं बोलता हूँ तुम जब वीज़ा आता ना जब बोलता हूँ, चले गए। जब वीज़ा आया तो पूछे भाई क्या पढ़ना, क्या दुआ करना, तो बोले कई को टेंशन ले जा रहे तुम, कई को परेशान हो रहे, अल्लाह अल्लाह बोलने आता नहीं आता, अब आता, अल्लाह अल्लाह बोलो पूरे उम्र में, क्या बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो भाई, अल्लाह अल्लाह किसके लिए। एक बंदा अभी गैर मुस्लिम था मुसलमान हुआ, अब असर की नमाज पढ़ना है, उसको दुआए मासूरा दुरूद शरीफ अत्तहियात याद हो जाएगा, उसके लिए है कि साहब आप अल्लाह अल्लाह बोल लो नमाज हो जाएगी। हमारे पास तो काफ़ी वक्त है, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल की दुआओं में जो बरकत है, अल्लाह के रसूल की दुआओं में जो कुव्वत और ताकत है, अल्लाह के रसूल की दुआओं में जो असर है, जो कैफियत है, वो दुनिया की किसी दुआ में नहीं हो सकता। तो हम अल्लाह के रसूल की दुआ के पढ़ने का अहतमाम करें, उन दुआओं को समझने का कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी दुआएं, मुख्तसर तरीन दुआएं, उन जगहों पर उसकी खूबी और फजीलत है, उसका अहतमाम करी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरबियती कोर्स के अंदर ये चैप्टर मुस्तकिल रखा कि हाजियों को दुआएं का पढ़ाना, दुआ करना सिखाना, ये एक मिजाज है कि दुआ मांगना हमको आए, कि दुआ के आदाब क्या है। हम और आप कोई एप्लीकेशन देना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आप हाउस नंबर लिख दिए, नीचे फ़ोन नंबर लिख दिए, ले जाके दिए तो हो जाता क्या, पहले एड्रेस किसको आप एड्रेस करें, फिर नीचे सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट हैं, कौन एप्लीकेशन दे रहा, वो एक प्रोसेस होता। तो दुआ भी अल्लाह से मांगने का एक ढंग है, वो तरीक़ा है। और हजरात गिरामी तीसरी चीज़ है जनरल इंफॉर्मेशन, हमारे इस सफ़र को आसान भी फरमाएं और इस सफ़र को कबूल भी फरमाएं। तो सफ़र के आसान होने के लिए, सफ़र के कबूल होने के लिए जैसे मालूमात ज़रूरी हैं वैसे ही मसाइल ज़रूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए दुआएं ज़रूरी हैं। हजरात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हज के 5 दिन, कितने दिन हैं, 5 दिन हैं, ये जो हज के 5 दिन हैं, इन 5 दिनों के 3 पहलू हैं जो मैं आपके सामने अर्ज किया। ये सिर्फ हज के 5 दिन की बात नहीं, हज से पहले, हज से पहले क्या क्या करना है। हमारे जो बड़े गए हैं तो यहाँ तक कि वो वसीयत भी तैयार करके रखे गए थे, क्या, कि मेरे बाद अगर मैं ना आऊँ तो इनको ये हिस्सा दे दिया जाए, इनका ये कर्ज बाकी है, ये जिम्मेदारियाँ। और आज का हाजी क्या बोल रहा, लोगों से कर्जा लिया हुआ है, कर्जदार आके पूछ रहे तो बोलता कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं कहीं को टेंशन ले रहे आप क्या है ना, अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी 3 पहलू हैं हज से पहले, हज में और हज के बाद, ये तीनों पहलुओं पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बात ये है
कि हाजी पेमेंट की फिक्र करता है, हाजी कपड़े की फिक्र करता है, उसी वक्त से अगर दीनदारी की फिक्र करे तो मैं तो मेरा मानना ये है कि कुरान की 30वें पारे के बड़ी बड़ी सूरतों तक याद कर सकता है। लेकिन चूंकि हमारा डाइवर्जन क्या हो गया, चीज़ों की तरफ हो गया, हमने जो है रुख उधर बना लिया। और हज जो है वो इस्लाम के फराइज में से एक है, फ़र्ज है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इस्लाम के फ़र्ज में से एक फ़र्ज है। हज की 3 किस्में होती हैं, हज इफराद यानी सिर्फ इफराद यानी हज करना, उससे पहले उमरा नहीं और उसके बाद उमरा नहीं, सिर्फ जाएंगे और हज करेंगे और वापस आ जाएंगे, उसमें तवाफ़ कुदूम करते हैं। वो चूँकि हम लोग नहीं करते हैं तो उसके मसाइल बयान नहीं किए जाते। दूसरा है हज तमत्तो, जैसा कि आप लोग सुबह तरीक़ा सुन लिए कि मदीने से हम ज़ुल्हुलैफ़ा पे पहुंचकर उमरे का एहराम बांधे और वहां से पहुंचकर उमरा अदा किए और हमने एहराम खोल दिया है, और जब हज के दिन आएंगे तो हज का एहराम बांधेंगे, तो ये है हज तमत्तो, उमरा अलग हज अलग। दूसरा तरीक़ा ये है कि आदमी जब उमरे की नियत करे तो उसी वक्त हज की भी नियत कर ले, तो उसमें मसला ये होता है कि हाजी अहराम की पाबंदियों में रहता है हज तक, तो उसमें बड़ी पेचीदगी है, बड़ा मसला है कि हाजी उसमें जकड़ा हुआ होगा। और चूँकि मसला ये है कि मौजूदा वक्त में मसाइल का इल्म हमको उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी सूरत में यही मशवरा दिया जाता है कि आप हज तमत्तो करिए। कौन सा हज करिए, हज तमत्तो करिए कि जिसके अंदर उमरा करके आज़ाद हो जाते हैं और फिर जब हज आता है फिर हज करते हैं। अगर मसाइल से वाकिफ हैं और हज के दिन करीब हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा है कि अल्लाह के रसूल ने हज क़िरान फरमाया था, हज क़िरान फरमाए थे हुज़ूर, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए हज क़िरान बेहतर। अल्लाह के रसूल कौन सा हज फरमाए, हज क़िरान। हाजी साहिबीन हज के 5 दिन हैं, 8 दिल हिज्जा से 12 दिल हिज्जा तक, 13 दिल हिज्जा इख्तियारी हैं, 8 दिल हिज्जा को यौम तरबिया कहते हैं यानी मक्के से मीना रवानगी का दिन, 9 को यौम अरफा कहते हैं, 10 11 12 को कुर्बानी और कंकरी और तवाफ के दिन कहते हैं, 9 से लेके 13 तक अय्याम तशरीक कहते हैं जिसमें हम तकबीर बोलते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाह। ये हुक्म हाजी के लिए भी। उसके बाद है हज के फराइज, हज में काम 3 काम फर्ज हैं, ये हर हाजी के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई हज कमेटी से जाए या प्राइवेट से जाए। हमारी क्लासेस होती हैं उसमें से प्राइवेट के भी हाजी आते हैं, कुछ हज कमेटी के भी होते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई हज के फराइज 3 हैं सबको याद होना, तो वो बोलता नहीं मैं प्राइवेट से जा रहा हूँ। क्या मतलब भाई, प्राइवेट से जाइए, आप किसी से भी जाइए, आपको फ़र्ज काम तो मालूम होना चाहिए कि आप प्राइवेट से जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, आप VIP कोटे में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं, आप किसी इसी ज़रिए से जाइए, लेकिन फ़र्ज तो फ़र्ज है। एक आम मुसलमान के लिए भी वही है, एक बड़े से बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग के लिए आलिम के लिए भी वही। फ़र्ज काम 3 हैं, अहराम नियत और तलबिया, दूसरा है वकूफ़ अरफात, तीसरा है तवाफ़ ज़ियारत। अरफात के मैदान में जो क़ियाम हम करते हैं
اس کو وقوف بولتے ہیں، یعنی ٹھہرنا، وہاں اسٹے کرنا، وہاں قیام کرنا۔ طواف 10, 11, 12 کو جو 3 دن ہوتا ہے اس کا نام ہے طواف زیارت، اور واجبات جو ہے وہ 3 ہیں، واجبات 6 ہیں۔ 6 واجب ہیں کام، پہلا کام مزدلفہ میں قیام کرنا، دوسرا کنکریاں مارنا، تیسرا قربانی کرنا، چوتھا حلق یا قصر کرنا، پانچواں صفا مروہ کی سعی کرنا، چھٹواں بدائی طواف کرنا۔ حضرات گرامی، ہمارے ساتھ لیڈیز بھی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے بھی ہوں گے، تو مرد حاجیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خواتین کو بتائیں کہ صاحب یہ کام فرض ہیں، یہ کام واجب ہیں۔ ابھی رمضان کا مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے اور ان کی اہلیہ طواف میں بچھڑ گئیں، وہ صاحب طواف کرے، صحیح کرے اور اس کے بعد بلڈنگ آ گئے، ان کی اہلیہ 10 گھنٹے کے بعد پولیس والے لا کے چھوڑے، تو طواف میں بچھڑ گئے تھے، طواف بھی آدھا ویسے ہی اور صحیح بالکل نہیں کیے۔ اب پوچھ رہے ہیں اب کیا کرنا، آپ بتانا تھا ان کو کہ صاحب طواف فرض ہوتا ہے، صحیح کرنا واجب ہوتا ہے، تو ہم ان کو باخبر کریں، ان کو بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جان لیں اور ان کو جو ہے صرف اپنے ساتھ لے کے ہم چلیں، ایسا نہیں، ان کو بتائیں یہ کام کی اہمیت یہ ہے اور یہ کام کی اہمیت اس طریقے سے۔ محترم حضرات، اب اس کے بعد آپ کی توجہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ آپ رکھیے، یہ حج کے مقامات سہولیات کیسے ہوتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو سہولتیں ہیں وہ ہمارے یہاں سے زیادہ سہولتیں، ہم سے زیادہ فیسلٹیز وہاں ہیں۔ حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ صاحب وہاں یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، یہاں سے زیادہ فیسلٹیز ہیں، یہاں سے زیادہ اپ ڈیٹ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو زبان نہیں آتی ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے کمیونیکیشن کا، ہم کو عربی نہیں آتی ہے تو اس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ورنہ وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک حاجی کو جو ضرورتیں پیش ہیں، جو ضرورتوں کی ضرورت، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کو مل جائے، اور پھر مکہ المکرمہ میں اتنی بہترین سروسز ہیں، اتنا بہترین انتظام ہے کہ آپ کا روم اے سی رہے گا، آپ کی بس اے سی رہے گی، آپ کا کعبہ حرم شریف اے سی ہیں، سعی اے سی ہیں، طواف میں جو ٹائلز بچھے ہوئے ہیں وہ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ گرمی 48-50 سیلسیس گرمی ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ حضرات گرامی، بہت لگژری ہیں۔ 100 سال پہلے جو لوگ حج کے لیے گئے ان کے سفر نامے پڑھیے تو وہ بولتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں کنکر، طواف میں کنکر بچھے ہوئے ہوتے تھے، طواف کرتے تھے تو پاؤں خونا خون ہو جاتے تھے، دھوپ ایسی سخت ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے ہم جیسے کمزور بندوں پر کہ اللہ نے ہمارے لیے ایسی سہولتیں عطا فرما دی۔ تو مکے میں 100% فیسلٹیز ہیں، مینا میں جو ہے فیسلٹیز کم ہو جائیں گی، عرفات میں اور کم ہو جائیں گی، مزدلفہ میں وضو خانہ اور صرف طہارت خانہ رہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ کر آگے چلیے۔ اور حج کے مقامات کیا ہیں؟ مکہ مکرمہ ہیں، کعبہ ہیں، صفا مروہ ہیں، مکہ مکرمہ سے پھر مینا، عرفات، مزدلفہ ہیں۔
حج کے مقامات میں حاجی کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ حاجی مکہ مکرمہ سے مینا جاتا ہے بس کے ذریعے، البتہ مینا، عرفات اور مزدلفہ، یہ تین مقامات پر آپ کے لیے ٹرین کی بھی سہولت ہے۔ ٹرین کہاں پر ہیں؟ مینا، عرفات، مزدلفہ۔ اور یہ جو حاجی ہیں، مینا میں آپ کا اسٹیشن نمبر، وہ آپ کو ایک معلم کا ایک بیلٹ دیا جائے گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مینا میں آپ کا اسٹیشن کون سا ہے، تو وہ آپ کو حج کو جانے سے پہلے آپ کی بلڈنگ میں لا کر، اگر ٹرین سے جانے والے حاجی ہیں تو آپ کی بلڈنگ میں لا کر دے کر جائیں گے۔ یہ جو حج کے مقامات ہیں، اصل میں مکہ، اس کے بعد مینا، مزدلفہ ہیں بیچ میں، لیکن ہم لوگ اس کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات، پھر واپس مزدلفہ آتے ہیں۔ ایسے حج کے پانچ دن، پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ۔ پہلا دن کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ ہے۔ سنت کے مطابق 8 کی فجر مکہ المکرمہ میں ادا کرنے کے بعد وہاں غسل کر کے، احرام باندھ کے، نیت کر کے، تلبیہ پڑھ کے مینا جانا چاہیے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اللہ کے رسول ایسے ہی 8 کو روانہ ہوئے تھے، لیکن ابھی موجودہ حالات میں کیا ہو گیا کہ حاجی کو 7 کی عشاء کے بعد مینا لے کے جانا، تو اب یہاں پر حاجی کیا کرتا ہے؟ بے قابو ہو جاتا ہے حاجی، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، 7 کی عشاء میں آپ تیار ہو جائیے، بلڈنگ ہی سے جو ہے، بلڈنگ ہی سے آپ کو روانہ ہونا ہے۔ تو سارے کام کہاں کریں گے ہم لوگ؟ بلڈنگ ہی میں ادا کریں گے، بلڈنگ ہی میں احرام باندھیں گے، وہیں نماز پڑھیں گے، وہیں تلبیہ پڑھیں گے، وہیں حج کی نیت کریں گے۔ حضرات گرامی، مینا سے روانہ ہوتے وقت عام طور پر حاجی یہ بولتا ہے کہ صاحب ابھی بس آئی نہیں آئی، آپ صبر کریں، آپ کے معلم نے جو ٹائم دیا ہے اس سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آگے پیچھے آپ کی بس آ جائے گی، آپ سوار ہو کر چلے جائیے۔ 5 دن کے لیے جتنے سامان کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساتھ لے کر جائیے۔ 5 دن کے لیے کیا کیا ضرورت پڑے گی؟ احرام میں ہیں، 1 جوڑا اور احرام کا رکھ لیجیے، 1 جوڑا کپڑے رکھ لیجیے، دوائیں رکھ لیجیے، کھانے پینے کی سامان رکھ لیجیے، جو ضرورت کی چیزیں آپ جس کو ضرورت سمجھتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر ہم مینا روانہ ہوں گے۔ اور صبح کے سیشن میں ہم لوگ احرام کی پابندیاں دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم مینا پہنچ گئے، ہم مینا پہنچنے کے بعد اگر آپ کو، اچھا بس کے ذریعے سے ہم مکے سے مینا آئیں گے، معلم ہم کو اپنے مکے کی بلڈنگ سے لے کر مینا کے ٹینٹ کے نظام میں لا کر چھوڑے گا۔ آپ کو ٹینٹ کا کارڈ دیا جائے گا، وہ کارڈ اپنے ساتھ رکھیے، اور وہ کبھی بھی آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اسی ٹینٹ میں ہیں، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ حضرات گرامی، مینا میں آپ پریشان مت ہوئیے کہ آپ کہیں بھٹکیں گے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنے روڈ کو، اپنے ٹینٹ کا نمبر یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کہیں آپ بھٹک گئے تو بھی پریشان مت ہوئیے، آپ کوشش کریے کہ یہ انڈین فلیگ جہاں آپ کو نظر آئے وہاں پر آپ جائیے، تو اسی حصے میں انڈین حج مشن کا آفس ہوگا، انڈین حج مشن کا آفس رہے گا، آپ وہاں جا کر کانٹیکٹ کریے، وہ لوگ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں، پریشان ہونے والی بات۔ اور حج سویدھا سینٹرل حج کمیٹی نے لانچ کر دیا ہے، تو وہ آپ اس کو فالو کریے،
उसके अंदर भी एक ऑप्शन है SOS है, तो वो आप इस्तेमाल करिए कि अगर आप कहीं भटक गए हैं, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मीना में आप ये मीना है बोल के कैसे मालूम होगा? एक तो पूरे टेंट हैं, दूसरे वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से वो बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। ये बोर्ड आप ये कलर का है मीना में, मीना जो है वो टेंटों वाला शहर, और वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से आपको जो है बिछौना तकिया ओढ़ना दिया जाएगा, तो आपके लिए वहाँ आराम की भी सहूलत रहेगी, एसी रहेगा आपका टेंट। ये जो टेंट है इसमें आप बाजमात नमाज का अहतमाम करिए, लेडीज और जेंट्स को अलग अलग करिए, लेडीज अलग और जेंट्स अलग करेंगे, और वहाँ बाजमात नमाज से हम नमाज पढ़ने का अहतमाम करें। 8 ज़िलहिज्जा के हमारे जो काम हैं, 8 की जोहर असर मगरिब ईशा 8 तारीख की होगी, रात मीना में आराम करिए, मीना में गुजारना सुन्नत है। 9 की फजर पढ़ के मीना से अरफात जाना है, ये सुन्नत तरीक़ा है। मौजूदा वक्त में क्या कर रहे हैं, हाजी को 8 की ईशा के बाद मीना से अरफात लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप डिस्टर्ब होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, परेशान मत होइए, आप अपने ईशा के बाद रवाना हो जाए। अलबत्ता मीना में 8 तारीख को आप जोहर असर ईशा कितनी रकात पढ़ेंगे? तेलंगाना के जो हाजी हैं वो पूरे के पूरे हाजी मुकीम हैं, क्यों? इसलिए कि हमारा सफ़र मिनिमम 35 दिन का है, उसमें से 8 दिन आप निकाल दीजिए मदीने के, बकिया दिन बच गए आपके 27 दिन, आप वो टोटल दिन मक्के में रहने वाले हैं, हज से पहले हज के बाद सब मिला के टोटल कितने दिन? 27 दिन। तो 27 दिन में आदमी मुकीम होता है या मुसाफिर होता है? मुकीम होता है, तो कितनी रकात नमाज पढ़ेंगे? 4 रकात पढ़ेंगे। मुतमईन हो गया है, मसला समझ में आ गया। उसके बाद आप अपने टेंट में आप अपने लेडीज़ को वजू खाना तहारत खाना बता के लाइए, आप खुद जो है मीना का टेंट घूम के देख लीजिए अतराफ में, ताकि आपको बाद में आने जाने में आसानी हो। और मीना का हज का पहला दिन तिलावत में जिक्र में इस्तग़फ़ार में दुआओं में और कसरत से तल्बिया पढ़ने में गुजारना है। वहाँ आमतौर पर गफलत होती है, आमतौर पर वहाँ हाजी जो है वो गफलत का शिकार होता है, इसलिए आप दूसरों को भी याद दिलाएंगे कि भाई हज शुरू हो गया, क्या है ना, हज शुरू हो गया, तो इसलिए दुआओं का और तलबिये का खासुल खास तलबिया कसरत से पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी, हर नमाज के बाद तो तलबिया पढ़ना ही पढ़ना है, मुस्तकिल अहतमाम से पढ़ी। हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, तो अरफात जो है रात में 8 की रात में अगर ले जाया जा रहा है तो हम चले जाएंगे, या जो फैसिलिटीज़ हैं वो देखिए, ये ट्रेन की सहूलत है, बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है, बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है। उसके बाद हज में ये जगह जगह मैप बने हुए हैं, आप कहाँ पर हैं ये आपको बता देगी, और आजकल गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं हम लोग, गूगल मैप यूज़ करते हैं, तो उसको जो है आप यूज़ करिए, वहाँ आपको आसानी से आपका टेंट पहुँचने में आसानी होगी। मीना में मस्जिद खैफ भी है, लेकिन मस्जिद खैफ जाना ज़रूरी नहीं है, आप अपने टेंट में ही नमाज़ पढ़ें। हाजी
مسجد خیف جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے جانے اور آنے میں. یہ عرفات کی سہولتیں, یہ عرفات کا بورڈ ہے یلو کلر میں, 9 تاریخ ہے, 9 تاریخ کو ہم عرفات پہنچ گئے. اگر 8 کی رات میں آئے تھے تو 9 کی فجر بھی عرفات میں ہو جائے گی. اگر 9 کی فجر کے بعد نکلے ہیں تو 10-11 بجے تک ہم پہنچ ہی جائیں گے. تو عرفات پہنچنے کے بعد عرفات میں 2 کام ہیں, بہت سے اعمال ہیں لیکن اہم ضروری کام یہ ہے کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا, اور دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ عرفات میں عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک دعا کرنا. یہ 2 بڑے کام. اب ظہر اور عصر کے پڑھنے کی ترتیب ایک تو مسجد نمرہ کے حساب سے ہے کہ مسجد نمرہ میں امام صاحب 1 بجے ظہر پڑھائیں گے 2 رکعت, اور صبح 1 بجے عصر کی 2 رکعت پڑھائیں گے. عصر کی نماز کے بعد حج کا خطبہ دیتے ہیں, یہ مسجد نمرہ کا ترتیب ہے. لیکن آپ مسجد نمرہ نہیں جائیں گے, آپ اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نمرہ جانے میں اور آنے میں کافی وقت لگ جائے گا. ہمارے ساتھ فیملی ہے, ہمارے ساتھ لیڈیز ہیں, تو پھر ان کو بھی مسئلہ ہوگا. آپ اپنے ٹینٹ میں ہی نماز پڑھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا العرفۃ کلھا موقف, عرفہ کا پورا میدان وقوف کرنے کی جگہ ہے. اب ہم ٹینٹ میں نماز پڑھیں گے تو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیے 1:30 بجے, سنت فرض سنت نفل. عصر کی نماز 5 بجے ہم پڑھیں گے, سنت اور نفل. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ظہر کے وقت ہی میں عصر کی بھی نماز پڑھ لیں گے. 1 بجے ہم ظہر پڑھیں گے, 1:15 بجے عصر کی نماز پڑھیں گے. یہ 2 طریقے علماء کرام کی طرف سے ہیں, اور دونوں میں سے جس پہ چاہے کوئی بھی عمل کر لے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ظہر کی نماز ہم 1:15 بجے پڑھے, عصر کی نماز 1:30 بجے پڑھے, تو الحمدللہ اب ہمارے لیے اب عصر کی نماز ہو گئی, دعا کرنے کا وقت شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا فرمائی. کتنے گھنٹے؟ اور بڑے اہتمام سے دعا فرمائی, اتنا اہتمام سے دعا فرمائی کہ اللہ کے رسول کے سینے مبارک کی چادر الٹ جاتی تھی. اللہ کے رسول اونٹنی پر سوار تھے, اللہ کے رسول کے ہاتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ جو لگام ہے وہ گر جاتی تھی. اللہ کے رسول کبھی اٹھاتے کبھی چھوڑ دیتے, دعاؤں میں مصروف تھے. حضرات گرامی, اللہ کے رسول نے جو دعا فرمائی ہے عرفات کی, بڑی غیر معمولی وقت, بڑا غیر معمولی سما ہے. عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں, من ہاؤلائی. فرشتے کہتے ہیں غبراؤ شاساؤ, کہ ان کے جسم پر غبار پڑی ہوئی ہے, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں. پھر اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا مانگ رہے ہیں, فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت اور تیری جنت مانگ رہے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے جہنم اور تیرے غصے سے پناہ مانگ رہے ہیں. کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں, کون ہیں نہیں معلوم؟ پھر اللہ فرشتوں کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اشہیدو حدیث میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتوں میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ تم گواہ بن جاؤ, کہ تم قیامت کے دن بولو کہ ہاں انہوں نے مانگا تھا. حضرات گرامی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عرفات میں رو رو کر مانگو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بنا کر مانگو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ میں حاجی کی بھی مغفرت فرما دیں گے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اور کیسی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے حاجیو اگر تمہارے گناہ ولو کانت ذنوبکم کقطر المطر، اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، ولو کانت ذنوبکم کعدد الشجر، اگر تمہارے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہو، ولو کانت ذنوبکم کعدد النجوم، اگر تمہارے گناہ تاروں کے برابر ہو، افیض عبادی مغفورا، اے اللہ کے بندو بخشے بخشائے، عرفات سے روانہ ہو جاؤ۔ ایسا ہے بھی کتنا مبارک وقت ہے، لیکن حاجی کیا کر رہا ہے؟ لائیو فرام عرفات۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ماڈرن حاجی ہے نا، آج کے لیٹرز حاجی ہیں، تو واٹس اپ سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے اور دوسری چیزوں سے کیا کر رہا ہے؟ لائیو فرام عرفات، لائیو رہ رہا ہے۔ ارے لائیو ٹو اللہ ہو جائے، کس سے کنیکٹ کریے؟ لوگ آ کے پوچھیں گے حاجی صاحب کہاں سے آئے، بولیں گے حیدرآباد سے۔ اچھا کیسے آئے، حج کمیٹی سے آئے یا پرائیویٹ سے؟ بولو بھائی کیسے بھی آئے، آئے بس چلو اللہ سے مانگو۔ اب آ گئے، اب تم بھی اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ سے مانگے۔ لوگ پوچھیں کتنے بچے ہیں، کتنے بیٹے ہیں، حاجی بولنا شروع کرتا ہے ایک بیٹا امریکہ، ایک آسٹریلیا، ایک کینیڈا، ایک جو ہے اور سنگاپور۔ شیطان ہے کہ جو ہمارے حج کو ضائع کر رہا ہے۔ حجاج کرام، عرفات میں حاجی کا وقت بڑا قیمتی ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے وقت کا شیڈول بنائیں گے کہ آپ تلبیہ 500 مرتبہ تلبیہ پڑھی، 100 مرتبہ درود شریف پڑھی، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھی، 100 مرتبہ استغفار پڑھی، 100 مرتبہ تسبیحات پڑھی۔ وقت بچے گا؟ نہیں بچے گا، وقت کم پڑ جائے گا۔ ہمارے پاس چونکہ ٹارگیٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، فون ملا کے عرفات سے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے۔ پورے کنیکشن کو آپ بلاک کر دیجئے، جامر لگا دیجئے، اللہ سے کنیکشن کنیکٹ کر دیجئے۔ حضرات گرامی، عرفات میں آپ کی دعاؤں کی موجودہ حالات میں امت، ساری دنیا محتاج ہے، امت آپ کی طرف رخ کر کے ہے کہ آپ اللہ کے بندے وہاں آئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم بھی دعاؤں میں شامل کر لیں گے، تو مانگیے۔ آپ کو جو میں نے کہا ابھی، اگر آپ مانگنا چاہیں تو، آپ دعا کرنا چاہیں تو، ہماری کتاب جو حج کی ہے اس میں میں نے اردو میں ایک دعا لکھی ہے، قرآن و حدیث کی دعاؤں کا خلاصہ ہے، کہ ہم کو مانگنا نہیں آتا تو وہ دیکھ کے دیکھیے، پڑھتے رہیے، مانگیے۔ بات کیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے یہ کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، دنیا کے بارے میں بولتے ہیں، دین کے بارے میں بھی یہی ہے معاملہ، کہ ہم پہلے ہماری عادت بنے گی پھر عبادت ہوگی۔ حضرات گرامی، آپ عرفات کی دعا کو کسی حال میں مس نہیں کریں گے، اور عرفہ میں آپ 5 منٹ بھی ٹھہر گئے آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، لیکن زوال کے بعد سے مغرب تک، ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب تک، اتنا وقت عرفات میں رہنا واجب ہے۔ آپ باہر نہیں آئیں گے عرفات کے، آپ عرفات کے اندر رہیں گے، اور عرفات میں دعا کرنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرات گرامی، عرفات میں ہم غروب تک دعا کریں گے، کب تک دعا کریں گے؟
غروب آفتاب تک دعا کریں گے, اس کے بعد ہم لوگ مغرب پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. مزدلفہ پہنچتے پہنچتے رات کا جو بھی وقت ہوگا اس وقت میں ہم مغرب اور عشاء پڑھیں گے. مغرب اور عشاء کے بعد بقیہ سنتیں پڑھیں گے, 70 کنکریاں چن لیں گے اور مزدلفہ میں آرام کریں گے. لوگ مزدلفہ سے پہلے پہلے بیٹھ جاتے ہیں, آپ مت بیٹھیے, مزدلفہ کا انٹرنس دیکھیے پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء پڑھیے, اس سے پہلے بالکل نہیں پڑھیں. اور مزدلفہ میں آرام کریے, کچھ دیر لیٹ جائیے, وہاں لیٹنا سنت ہے, وہاں آرام کرنا سنت ہے. مزدلفہ میں آرام کریں گے, فجر کی نماز اولین وقت میں پڑھیں گے اور فجر کے بعد دعا کریں گے. اب مزدلفہ میں دعا کب کریں گے؟ فجر کے بعد. عرفات میں کب کریں گے؟ عصر کے بعد. حضرات گرامی اب یہ دیکھیے, یہ عرفات کا میدان ہے, بالکل احرام سے ڈھکا ہوا, سفید چادروں سے بالکل بھرا ہوا. یہ جبل رحمت ہے, یہاں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں ہی جا کر دعا نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ اپنے خیمے میں دعا کر سکتے ہیں. یہ جبل رحمت ہے, یہ مسجد نمرہ ہے, اور یہ مسجد نمرہ کے پاس اتنا ہجوم ہوتا ہے. یہ مزدلفہ کے انٹرنس ہے, وہاں جو مسجد ہے یہ مسجد مشعر حرام اس کا نام ہے. کنکریاں ہیں, 10 تاریخ, 10 تاریخ کو ہم فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ سے پھر واپس مینا آ گئے. اب حج کا بڑا دن ہے, آج کام کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے بہت بڑا دن ہے آج. ہاں جی, بہت جو ہے ضرورت ہے اس کو انرجی کی, بہت صبر کی, بہت اہتمام کی. حاجی پہلے تو آئے گا اپنے ٹینٹ کو مزدلفہ سے مینا میں پہنچے گا, آپ اپنا سامان رکھ دیجیے, پھر اپنے ٹینٹ سے ہم کنکری مارنے کے لیے جائیں گے. 10 تاریخ ہیں تو جاتے ہوئے راستے میں 3 شیطان ملیں گے, 3 جمرے ہیں. جمرہ وہ علامتی جو شیطان ہے, وہ 3 ہیں, پہلے چھوٹا پھر منجلا پھر بڑا, ایک ہی راستہ ہے سب کو. تو جاتے ہوئے سب کو چھوٹا ہی ملے گا, اس کو چھوڑ دیجیے, دوسرا ملے گا اس کو چھوڑ دیجیے. وہاں پولیس والے ٹھہرے ہوئے ہوں گے اطراف میں, وہ آپ کو بولیں گے تھا آگے چل آگے. تو حاجی 3rd جمرے کو 7 کنکریاں مارے, اور جیسے ہی ہم کنکری ماریں گے تلبیہ ہمارا بند ہو جائے گا. اب تلبیہ پڑھنے کا وقت ختم ہو گئے, تلبیہ روک دیجیے, تلبیہ روک دیا ہم نے, پھر اس کے بعد کنکری مار کر ہم واپس اپنے ٹینٹ آئیں گے. اور ہم نے قربانی حج کمیٹی کو دے دی ہے نا, کہ حج کمیٹی کے ذریعے ہم قربانی کروا رہے ہیں, تو آپ کو ٹائم دیا گیا ہوگا دن میں 1 بجے, آپ کی کنکری ہو گئی دن میں 12 بجے, تو آپ کو 1 گھنٹہ اور انتظار کرنا ہے تاکہ آپ کی قربانی ہو جائے. اب قربانی کی بات آئی ہے تو حاجی پر 2 قربانیاں ہیں, کتنی قربانی ہیں؟ تلنگانہ کے جو حاجی ہیں اس پر کتنی قربانیاں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقیم ہیں, تو مقیم پر سالانہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے. البتہ اس کے اندر گنجائش کیا ہے کہ وہ آپ اپنے شہر میں ورنگل میں بھی کر سکتے ہیں, یہاں کوئی نہیں ہے تو حصہ لے سکتے ہیں. البتہ حج کی جو قربانی ہوگی وہ صرف حدود حرم میں ہوگی, وہ آؤٹ آف دی حدود نہیں ہو سکتی. ہماری قربانی کا ٹائم دیا گیا 1 بجے, اس کے بعد ہم اپنے سر کے بال بنائیں گے. جیسے ہی ہم سر کے بال بنائیں گے ہمارا احرام کھل جائے گا, ہماری پابندیاں ختم ہو گئیں. آپ اپنی ٹینٹ کے اندر جو غسل خانہ ہے اس میں آپ غسل کریے, صابن سے نہائیے, نہانے کے بعد سوٹ اور بوٹ پہن لیجیے جی,
हाँ भाई कुर्ता पैजामा पहन लीजिए, क्योंकि हम लोग हैं ना सूट बूटी पहनते, तो वो मैं बोल रहा था कुर्ता पैजामा जो दीनदार अच्छा जो अल्लाह वालों का जो अच्छा लिबास है वो पहनी। उसके बाद हम लोग पाबंदियों से आज़ाद हो गए, हमारी लेडीज भी अपने हाथ से एक एक बाल काट लेंगी, उनका भी अहराम खुल गया। अब हमारे ऊपर तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा मरवा की सही करना है। आप अगर 10 तारीख को ये काम करने के बाद, यानी आपने कंकरी मारी, कुर्बानी दी, बाल बनाए, उसके बाद अगर हमारे अंदर हिम्मत है कि भाई हम तवाफ़ ज़ियारत को जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, तवाफ़ ज़ियारत को चले जाइए, तवाफ़ ज़ियारत करिए, सफ़ा मरवा की सही करिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा काम हमने आज मुकम्मल कर दिया। 10 तारीख को जो हम काम कर रहे हैं, पहला काम कंकरी मारना, दूसरा काम कुर्बानी करना, तीसरा काम सर के बाल बनाना, इन तीन कामों में तरतीब वाजिब है, ऑर्डरली करना 1 2 3 ऐसे। अगर हमने बहुत कोशिश की इसके बावजूद हमारी तरतीब बाकी नहीं रह सकी, तो ऐसी सूरत में इंशाल्लाह दम वाजिब नहीं होगा। ऐसा समझ गए, कोशिश तो यही करना है कि तरतीब से हो जाए। अगर हमारी पूरी कोशिश के बावजूद तरतीब हमारी बाकी नहीं रह सकी, तो ऐसी सूरत में आप परेशान मत होइए कि इंशाल्लाह दम वाजिब नहीं होगा। तवाफ़ ज़ियारत हमने 10 तारीख को कर लिया है, सफ़ा मरवा की सही भी हमने कर ली है, तो अब हमारे लिए तवाफ़ ज़ियारत और सही करने के बाद हम वापस मीना आ जाएंगे। कोई भी वक्त हो जाए, रात में 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, कोई भी वक्त हो, जब भी फारिग हुए वापस मीना आ जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत से पहले मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं, तवाफ़ ज़ियारत करेंगे तो फिर मियाँ बीवी के लिए हलाल होंगे, तो ये हमारे नौजवानों को जहन में रखना पड़ेगा मसाला। आप वापस आ गए 11 ज़िलहिज्जा, अभी 11 ज़िलहिज्जा के आमाल बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा देखिए, ये जो जमरात जाने के रास्ते हैं, पहले जमरात में बहुत भीड़ होती थी, बहुत हादसे होते थे, बल्कि 2015 में आपको मालूम है 2015 में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 2015 में हज़ारों हाजी मीना के अंदर शहीद हो गए, तो हुकूमत ने बहुत गहराई से उसका नतीजा निकाला कि क्यों गड़बड़ हुई, उन्होंने यू टर्न बंद कर दिए और उसके बाद ये बड़े से जो है फ्लाईओवर डाल दी। अब जमरात 5 जगह से कर सकते हैं और एक एक फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर इतनी चौड़ी है जिसपे 10 बसेस एक साथ जा सकते हैं, इतनी चौड़ी। तो अब हाजी को हादसे का लोहा बोलते शैतान के पास, शैतान आ जाता लोगों के ऊपर, तो अब वो ख़त्म हो गया। अलबत्ता पहले का जो शैतान था वो दुबला पतला था, ये देखिए ऐसा था, ये पहले का शैतान ये दुबला था, अब क्या हो गया शैतान, मोटा ताज़ा लंबा चौड़ा हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये इसको जो है पहले पिल्लर टाइप में था, अब इसको बाल टाइप में दीवार के शेप में बना दिया गया है, तो हमारी कंकरी वो जो गोल दिख रहा है ना प्लेट के टाइप में, उसमें हमारी कंकरी गिर जाए काफ़ी, हमारी कंकरी उसमें गिर गई, वहाँ ऊपर लगी बहुत अच्छी बात है, अंदर गिर गई ये भी हमारे लिए इनफ है, हमारी कंकरी हो गई। ये जमरात हम जाएंगे तो पहले छोटा फिर मंजिला फिर बड़ा ही मिलेगा, कुर्बानी का ये है, कुर्बानी हो गई, सर के बाल हमारे बन गए, ये तवाफ़ ज़ियारत, इतनी ज़्यादा रश होता है, आप परेशान मत होइए, हिम्मत मत हारिए,
اللہ کا نام لے کے شامل ہو جائیے، اللہ اس بھیڑ میں ہمارا بھی طواف زیارت کرا دیں گے۔ یہ بالکل حرم کی زمین نظر نہیں آتی، سر ہی سر ہوتے ہیں، صفا مروہ ہی صحیح ہے۔ اب 11 تاریخ ہیں، 10 تاریخ کو ہم طواف زیارت کر لیے اور صحیح بھی کر لیے۔ اب 11 کو ہمارے پاس کیا بچا؟ صرف 3 شیطانوں کو 7 7 7 21 کنکریاں مارنا ہے، چھوٹے کو ساتھ، مجلے کو ساتھ اور بڑے کو ساتھ۔ طواف زیارت ہمارا 10 تاریخ کو ہو چکا ہے، اب کوئی کام ہم کو نہیں کرنا، مینا میں رہنا ہے، کھانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے، ٹائم ہو گیا کنکری مارنے کے لیے جانا ہے۔ 12 تاریخ ہے، 12 تاریخ کو بھی ہمیں تینوں کو 7 7 7 21 کنکریاں مارنی ہیں، اور آلریڈی ہمارا طواف زیارت 10 تاریخ کو ہو چکا ہے۔ اگر 10 کو نہیں کرے تھے طواف زیارت تو 11 کو کریں گے، اور 11 کو بھی نہیں کرے تھے تو کب تک کریں گے طواف زیارت؟ 12 ہی مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت ضروری ہے، 12 کی مغرب سے پہلے۔ تو ہم 12 تاریخ کی کنکری مارے، ظہر کے بعد آئے، عصر کی نماز پڑھے ٹینٹ میں، اور ٹینٹ میں اپنا سامان جو تھا وہ بیگ میں رکھے واپس مکہ آ گئے۔ الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ کیا حساب ہو گئے؟ لیکن حاجی جو ہے 12 تاریخ کی مغرب میں نہیں نکلا، عشاء ہو گئی، رات کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، تو رات میں مینا چھوڑ کے مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں۔ رات مینا میں نہ گزارنے پر دم واجب نہیں ہوگا۔ کون سی؟ 12 کی رات بولو۔ رات میں 2 بجے بھی آپ مینا سے مکہ آ جائیے، پرابلم نہیں ہے، 3 بجے بھی آپ آ جائیے، پرابلم نہیں، مطلب ہے کہ دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فجر کا وقت مینا میں شروع ہو گیا، 13 کی فجر کا وقت، تو اب مینا چھوڑ کے ہم مکہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو مینا میں رات، مینا میں فجر پڑھنا پڑے گا، مینا میں فجر پڑھ کے جا کر پھر تینوں جمرات کو 7 7 7 13 کی بھی کنکری مارنی پڑے گی۔ کب؟ اگر 13 کی فجر کا وقت مینا میں ہو گیا تو۔ الحمدللہ، ویسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، معلم کی بس حاجیوں کو 12 تاریخ کو لینے کے لیے آ جاتی ہے، یا حاجی اپنا سیلف ٹرانسپورٹ کر کے مینا سے مکہ آ جاتے ہیں، ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ایک کام باقی ہے، وہ ہے وداعی طواف۔ کیا باقی ہے؟ تو وداعی طواف، ہم جب مکہ چھوڑ کر اپنے وطن آ رہے ہیں اس وقت ہم وداعی طواف کریں گے۔ وداعی طواف آپ ایڈوانس میں بھی کر لے سکتے ہیں، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے بھی آپ کر لے سکتے ہیں۔ وداعی طواف میں صرف طواف ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی وغیرہ نہیں ہے۔ آپ مان لیجئے کہ آپ نے وداعی طواف کر لیا ایڈوانس میں، تو اس کے بعد بھی طواف کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی عمرے کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی حرم شریف جا سکتے ہیں۔ خواتین وداعی طواف نہیں کرے، ان کے اپنے ایام کی وجہ سے اور ان کو یہاں واپس آ جانا پڑ رہا، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا، وداعی طواف ان کی طرف سے معاف ہو جائے گا۔ آئی سب سمجھ میں آئے؟ الحمدللہ، تو الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اب حج کے بعد ہم جو ہے مکے میں قیام کریں گے، عمرہ کریے، طواف کریے، دعاؤں کا اہتمام کریے۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھئے۔ دن کی کنکری بول رہے ہیں؟
کس دن کی کنکری؟ دیکھیے 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت 24 گھنٹے، 10 تاریخ کو ٹائم کب ہے؟ 24 گھنٹے، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت ظہر کے وقت سے کب سے شروع ہے؟ ظہر کے وقت سے شروع ہے جی جی. حاجی صاحب کوئی بھی سوال ہو تو بتائیے، پھر دعا کریں گے. جی ابھی آپ کے حج کمیٹی کی طرف سے ایک اچھی نیوز آپ کے لیے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حاجیوں کو رپورٹنگ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن رپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ آن لائن رپورٹنگ آپ کی روانگی سے 48 گھنٹے پہلے، کتنے گھنٹے پہلے؟ 48 آورز پہلے آن لائن رپورٹنگ بھی آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ کافی گرمی چل رہی ہے دھوپ، تو ایسی صورت میں یہ تلنگانہ حج کمیٹی کی طرف سے بہت اچھی چیز ہے کہ حاجی آن لائن رپورٹنگ بھی کریں گے تو ایکسیپٹ ہو جائے. جی ایک حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مدینے سے سامان کیسے پہنچے گا، تو میرا سوال یہ ہے کہ حاجی صاحب کیسے پہنچیں گے؟ جی حاجی صاحب بس سے پہنچیں گے، حاجی صاحب کا سامان بھی بس سے پہنچے گا. کیا صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟ السلام علیکم. وعلیکم. دیکھیے خواتین اپنی نماز پڑھ لیں، خواتین اپنی نماز پڑھ لیں، ان کو جو ہے جماعت کی وہاں جماعت بنانے کے لیے مسئلہ رہے گا، مائک ہونا پڑے گا، آواز پہنچانا پڑے گا، تو لیڈیز اپنے وقت کے حساب سے اپنی نماز پڑھ لیں. اگر جماعت ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو لیڈیز اپنے وقت میں اپنی نماز پڑھیں. جی طواف کے دوران اگر وقت نماز آ جائے تو اب حرم شریف میں مکے میں لیڈیز کو الگ کر رہے ہیں، اذان ہوتے ہی لیڈیز والنٹیئر حرم میں گھوم رہے ہیں طواف میں مطاف میں، تو بول رہے ہیں لیڈیز الگ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے. اگر وہ لوگ نہ بھی کریں تو لیڈیز اپنا طواف روک کے آپ نماز کی فکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لیڈیز کے سیکشن میں جا کے نماز پڑھیں. جی مینا میں جو گدے وغیرہ بچھائے جاتے ہیں اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی گدوں پر نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جو بستر مینا میں ہے آپ کا اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جو تکیہ آپ کو دیا گیا ہے وہ تکیہ آپ رکھ سکتے ہیں سر کے نیچے، اوڑھنا دیا گیا ہے یہاں تک آپ گلے تک یہاں تک اوڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں نہیں گدا نرم ہونے سے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، گدا نرم ہو تو بھی اس کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، سجدہ ہونے کے لیے گھٹ ہونا ضروری نہیں ہے میرے بھائی، سجدہ جو ہے وہ کسی بھی چیز پہ آپ کریے، آپ کے سامنے تکیہ رکھا ہوا ہے وہ نرم ہے اسپنج ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سجدہ کر سکتے ہیں. جی جی حج کے دوران دم کب واجب ہوتا؟ یہ جو 6 واجب جو چھوٹنے پہ دم واجب ہوتا، واجبات 6 ہیں تو واجبات کے چھوٹنے پہ دم ہوتا، یا احرام کی خلاف ورزی کرنے سے دم واجب ہوتا. تو اب احرام کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ ساری ہمارے ذہن میں ہوں،
کہ آپ ناخن کاٹ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہے ہیں، صابن استعمال کر رہے ہیں، بنیان استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے دم واجب ہوا تھا۔ جی بولے آئی صاحب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا مريضا الا شفيتا ولا دينا الا قضيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألت منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول.